अस्सलाम वालेकुम, आपका लेक्चर कौन सा है जी? नहीं टाइम मिला देखने पूछने का भी, अल्लाह जानता है जी। लेक्चर 58 स्टार्ट करते हैं। पेज 860 अपनी किताबों का ओपन करें, उसमें सवाल है गोल्फ क्लब, ये लिखा हुआ ऊपर देख लो, पेज 860 गोल्फ क्लब, बल्कि इसको मिटा के दोबारा लिख दूंगा जी। सबसे पहले आपको अवेलेबल है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है जी? हाँ, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है जी। तो इस कैश एंड बैंक अकाउंट को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाया करता है? मैंने आपको बताया था कि अगर सवाल में ओपनिंग जनरल फंड मिसिंग हो तो ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ऐसे ही यहां पर लिख लेते हैं कि इफ ओपनिंग जनरल फंड इज मिसिंग, दिस विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग जनरल फंड। मेरे ख्याल में कोई एक आध सवाल ही मुझे नजर पड़ता है पास पेपर के अंदर जिसमें ओपनिंग जनरल फंड गिवन हो, वरना तकरीबन हर सवाल में ओपनिंग जनरल फंड निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए ये पक्की आदत रखें, अगर रिसीट पेमेंट इस तरह से बनाकर दे दे या कैश बैंक इस तरह से बनाकर दे दे कि ओपनिंग डेबिट्स क्रेडिट्स क्लोजिंग मौजूद हो, तो हम उस लेजर को बनाने नहीं जा रहे होते। अब जब हम बनाने नहीं जा रहे इन लेजर्स को, तो फिर खतरा ये है कि इस ओपनिंग को ओपनिंग जनरल फंड निकालते हुए भूल ना जाओ। इसलिए एक आदत बना ली कि इस ओपनिंग को हमने आइडेंटिफाई करना है और इसको जैसे ही सवाल शुरू करेंगे लिख लेंगे इसमें, ठीक है। सैफल तुमने छुट्टियां की हैं? अच्छा, कल क्यों नहीं आया तुम? अच्छा, तुम नमक के बने हुए हो? कुछ नहीं। अच्छा जी, इस जगह दो यार, इसको इधर आ जाओ, इधर आ गया, साथ हो जाओ मेरे चांद, साथ हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे, साथ हो जाओ। तुमने बड़ी शक्ल बनाई थी जुमे से पहले, क्या था, गर्मी लगी हुई थी? अच्छा, बस 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 बस, ठीक। अच्छा जी, अब जरा सफर शुरू करते हैं सवाल का और ऐसे ही जरा गो थ्रू करते हैं सवाल को। ओपनिंग बैलेंस जहां जाना है बता दिया, उसके बाद सब्सक्रिप्शंस डेबिट कर देंगे, इधर डेबिट है उधर क्रेडिट कर देंगे, इन अकाउंट्स में भेजेंगे। सब्सक्रिप्शन है, कैंटीन रिसीट्स हैं, कैंटीन रिसीट से पता चला कि शायद ये कैंटीन का काम कर रहे हैं। सवाल पढ़ते वैसे ही पता लग जाएगा, कैंटीन का स्टॉक पड़ा होगा, कैंटीन के क्रेडिटर्स होंगे, कैंटीन की सेल्स आ रही होंगी, ठीक है ना। तो वैसे रिक्वायरमेंट पर एक नजर डालते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? आ कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2012। अगर ये अलग से ना भी कहे तो वर्किंग वन हमारी ये होती है, लेकिन उसने रिक्वायर कर लिया तो फिर रिक्वायरमेंट नंबर लगाएंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट उसने कही है। तो स्टेप वन तो हमारा यही होता है कि हम फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है ना, वो मैंने क्लास शुरू करने से पहले बना लिया हुआ है, ओके। अच्छा चले, तो ओपनिंग है, सब्सक्रिप्शन है, कैंटीन रिसीट्स हैं, गोल्फ कोर्स फीस है। ये क्या होती है गोल्फ कोर्स फीस? क्या होगी भाई? ये गोल्फ क्लब है, उनका गोल्फ क्लब है तो उधर जो गोल्फ खेलने आते हैं वो फीस देते हैं, ये इनकी इनकम है। जैसे कुछ स्नूकर क्लब हो, उसमें जो स्नूकर के पट्टे लगे होते हैं उन पे जो बंदे आगे गेम करते हैं और पैसे जमा कराते हैं, तो स्नूकर क्लब की वो इनकम है, ठीक है। तो इनकम है। नेक्स्ट है जी इवेंट रिसीट्स, कोई इवेंट कराया उससे रिसीट्स हुई हैं। जैसे हमने कल स्पोर्ट्स क्लब ओपन किया था और मैं कोई जो है वो टूर्नामेंट कोई मैच करा दें, हम इवेंट क्या है जी, कोई मैच करा दें, कंपटीशन कोई टूर्नामेंट करा दें, ठीक है, तो उससे इनकम्स हो सकती हैं, हो सकती है ना। क्या मतलब? हमने सोचा कि यार देखो एक बात याद रखो, ये आज की नई चीज है वैसे, इवेंट रिसीट्स और कंपटीशन फीस, सिर्फ इस तरफ पड़ा हो तो कोई मसला नहीं है। हम कहते सिंपल क्या है, ये इनकम्स हैं, ठीक है ना। कंपटीशन करवाया उससे फीस आई, इनकम है, या इवेंट कराया उससे कोई रिसीट्स हुई, ये क्या है, इनकम है। लेकिन मसला ये है कि रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड पे आप देखें तो वहां पे आपको इवेंट रिसीट्स जैसा एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन वो क्या है, इवेंट एक्सपेंसेस, फिर कंपटीशन फीस की तरह से कंपटीशन एक्सपेंसेस। तो इस तरह के जो
इस तरह के जो इवेंट्स होंगे, रिसीट पेमेंट साइड पर, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट में जिसमें रिसीट साइड पर इनकम आ रही होगी, इनफ्लो आ रहा होगा, और पेमेंट साइड पर उसका आउटफ्लो आ रहा होगा, तो हमने एनपीओ की इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हुए इन इन दोनों को क्या किया करना है, नेट। इन दोनों क्या किया करना है, नेट। नेट में अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इनकम्स में शो करेंगे, और नेट करके अगर ये नेगेटिव आएगा तो एक्सपेंसेस में शो करेंगे। ये आज की नई चीज है, बाकी सवाल तकरीबन वही है। ठीक है जी, किधर से आया सवाल? हाँ बोलो बोलो। अगर भाई साहब कह रहे हैं दोनों, इनकम को इनकम में, रिसीट को इनकम में और एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिख दें, नेट तो तब भी हो जाना है। भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कहा हम वैसे ही करेंगे। उसके पीछे ना एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि हमने एक इवेंट करवाया, उस इवेंट पे हमें रिसीट्स कम हुई, एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, नेट करने पर तो पता लग गया, फेस पर ही पता लग गया कि इस इवेंट से हमें नुकसान हुआ है, अगली बार नहीं करेंगे। बात समझे हो? हमने इवेंट करवाया, कोई कंपटीशन करवाया, हमें इनकम हुई, रिसीट्स हुई, वो ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो नेट में हमें इनकम हो गई, तो हम कहेंगे चलो यार अगली बार भी ये करवाएंगे। इसलिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि इनकम रिसीट्स इनकम में फेंक दें, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में फेंक दें, पेमेंट्स जो है तो नेट तो फिर भी हो जाना है, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। इसका ट्रीटमेंट यही है एनपीओ के इनकम एक्सपेंडिचर को बनाते हुए कि आपने इन दोनों को क्या करना है, नेट। निशानी क्या होगी? एक इवेंट है उसकी रिसीट, और उसी नाम से इस तरफ इवेंट है उसका एक्सपेंस आ रहा है, तो ऐसे जब भी कभी हो आपने उन दोनों को क्या करना है, नेट। नेट करके अगर पॉजिटिव आए तो इनकम में, नेगेटिव आए तो एक्सपेंस में। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है बोलो, ताकि पता लगे अगली बार ये कंटिन्यू भी करना है या नहीं करना है। ठीक है अच्छा जी, तो ये नई चीज थी, मैंने दोनों तरफ हाईलाइट की हुई है। उसके बाद कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड डिस्पोजल का अकाउंट बना लेंगे, इक्विपमेंट सोल्ड डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। फिर जी पेमेंट साइड पे कैंटीन पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स ही बोल दिया आज, वो परचेजेस नहीं कह रहा, लेकिन हमने तो रूल बनाया हुआ है अगर परचेजेस भी आएगा तो हम उसको पेमेंट्स ही कहेंगे टू द क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस की हैं और कैंटीन की हैं, अलग अलग हैं, तो हम क्या करें, हम तो ऐड करके सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। नहीं जी, ऐड नहीं करेंगे, क्लब हाउस वाली इनकम एक्सपेंडिचर में नजर आएंगी एक्सपेंसेस में, और कैंटीन वाली ट्रेडिंग अकाउंट में नजर आएंगी। ठीक है, फिर कोर्स रिपेयर्स हैं, आपका गोल्फ कोर्स जो है वो खराब हो गया, रिपेयर करवाया है, जिस दिन एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, इंश्योरेंस के साथ 0.5 टच हो रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है अच्छा, उसके बाद इवेंट एक्सपेंस पहले डिस्कस कर दिया, सेंडरी एक्सपेंस, बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस और कंपटीशन एक्सपेंस। ठीक है, और क्लोजिंग कहां जाता है ये भी आप भूल सकते हैं, तो इसकी भी आदत रखा करें। जब सवाल कर रहे होंगे ना, रिसीट पेमेंट को हम पोस्ट कर रहे होंगे, ओपनिंग को फटाफट जैसे ही ओपनिंग आएगा ओपनिंग जनरल फंड में लिख देंगे, फिर सारे डेबिट्स को पोस्ट करेंगे, सारे क्रेडिट्स को पोस्ट करेंगे, और जो क्लोजिंग होगा उसे भी उठा के फटाफट लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर, ताकि मिस ना हो। इवन के बाद में गलती निकल आई उसमें से तो वो वहीं पर कार्ड के सही कर लिया था हमने पहले सवाल के अंदर, याद है ना? ठीक है, हमने कैश वैसे ही लिख लिया था, बाद में पता लगा ओहो इसमें तो गलती हो गई है, तो हमने उसको काट के सही कर लिया था, लेकिन पहली बार जाते हुए जरूर लिख दिया था कि कहीं मिस ना हो जाए, जल्दी में रह ना जाए, मुफ्त के नंबर जाते ना रहें। ठीक है जी, तो रिसीट पेमेंट में तो कोई ऐसी खास चीज, जो खास चीज थी वो समझा दी है, जो नई चीज थी, बाकी तो कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही। पॉइंट वन में क्या है जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, लेजर्स बनाएंगे इनसे। ठीक है, पॉइंट टू में सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस हैं फिक्स एसेट्स के, क्लोजिंग कोई नहीं है, हम निकाल लेंगे लेकिन लेजर्स ये भी बनाएंगे। ठीक है अच्छा, पॉइंट वन वाले ओपनिंग क्लोजिंग जरा देखें कौन कौन सी चीजें दी है, ट्रेड पेबल्स हैं, कैंटीन के इन्वेंट्री है, सब्सक्रिप्शन है, टेलीफोन है, टेलीफोन एक्सपेंस है क्योंकि ऊपर पेमेंट साइड पे नजर आ रहा था। ठीक है, और ड्यू का मतलब क्या होगा, पेएबल, टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल है, कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल है, ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहे हैं। फिर फिक्स एसेट बैलेंसेज एट यकम जनवरी 12 एंड एप्लीकेबल डेप्शन रेट्स आर एज फॉलोज, क्लब हाउस एंड कोर्स एसेट अकाउंट में कॉस्ट जाती है वो अलग गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग गिवन है, और आगे रेट और मेथड गिवन है, मेथड स्ट्रेट लाइन, रेट हर एक का गिवन। ठीक है, तो छह लेजर्स बनने हैं फिक्स एसेट्स के, एक एसेट अकाउंट उसकी अक्यूमुलेशन, फिर एसेट अकाउंट फिर उसकी अक्यूमुलेशन, फिर एसेट अकाउंट फिर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, जस्ट ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, हम निकाल लेंगे कोई मसला नहीं, ओपनिंग हो और क्लोजिंग हो दोनों हो तब भी लेजर बनना है, सिर्फ ओपनिंग हो क्लोजिंग ना हो फिर भी लेजर बना लेना, सिर्फ क्लोजिंग हो ओपनिंग ना हो फिर भी लेजर बना लेना,
मशवरा है मेरा, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसूल जो लिखवाया करता हूं, मैं यूं लिखवाया करता हूं कि जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग अवेलेबल हो, जिन जिन का ओपनिंग और क्लोजिंग मैं नहीं लिखवाता, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं लिखवाता। कल मैंने जो लिखवाया था, अगर गलत, अगर वो और भी लिखवा दिया था तो वो बहरहाल पुरानी बात है। असल बात क्या है, जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन हो, जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन हो, उन उनके लेजर्स ओपन करने हमने, ठीक है। चले तो पॉइंट वन और पॉइंट टू से ओपनिंग बैलेंसेस निकल आएंगे, उसके बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सादा सादा एडजस्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, सवाल गो थ्रू कर लिया वैसे, चलो देख लो। पॉइंट थ्री में डेप्रिसिएशन की डिटेल है कोई क्लब हाउस की, उसमें कह रहा है कुछ हिस्सा लैंड का है, कुछ बिल्डिंग का, पता नहीं क्यों बता रहे हैं। लैंड डेप्रिशिएट नहीं ना होता, तो जो लैंड का पोर्शन होगा उसे डेप्रिशिएट नहीं करना, ये एडजस्टमेंट आप नहीं करनी है। दो एक मिनट तीन मिनट दूंगा, उसके बाद फिर मैं करूंगा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट पॉइंट फोर के अंदर जो कोर्स इक्विपमेंट बिका है, जिसका डिस्पोजल प्रोसीड जिसकी आ रही थी रिसीट पेमेंट में, उसकी डिटेल गिवन है। फिर पॉइंट फाइव के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्रूअल प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट आ रही है। पॉइंट सिक्स एंड पे देखेंगे, ये दूसरी दोनों क्लासेस के अंदर पेंडिंग किया था कि आप वाली क्लास के एक्स्ट्रा टाइम के अंदर डिस्कस करना है, इसलिए नॉर्मल जो क्लास एंड करेंगे उसके अंदर इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ सॉल्व करूंगा और फिर पॉज करके जो दूसरी क्लास होती है उसमें जाहिर है सारा सवाल तो ऊपर सॉल्व ही होगा, उसी के ऊपर पहले इसको समझाऊंगा फिर आगे चलेंगे, ठीक है। और पॉइंट सेवन में इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आ रही है। तो भाई स्टेप वन पे बोले क्या है, स्टेप वन नहीं, स्टेप वन इज फॉर्मेट। स्टेप वन क्या है जी, फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप लोग उस वक्त कर रहे थे बातें जब मैं बना रहा था फॉर्मेट, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब आप लोग पकड़ते रहे, दौड़ लगाते रहे, ठीक है। तो गोल्फ क्लब इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड बता दो मुझे, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, इनकम्स पांच छह लाइनें खाली, एक्सपेंसेस बाकी का सफा खाली, ठीक है। बैलेंस शीट में मैंने थोड़ी सी डंडी मारी है जगह कम होने की वजह से, आपने पूरा लिखना है। गोल्फ क्लब, अगली लाइन में बैलेंस शीट, अगली लाइन में एज ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, एक तो ये डंडी मैंने मार ली, आपने पूरा लिखना है। दूसरा मैंने एक और डंडी भी मारी है, पहली हेडिंग होती है फंड्स एंड लायबिलिटीज, डबल अंडरलाइन, फिर नीचे होता है फंड्स और लायबिलिटीज, जैसे लिखा होता है एसेट्स में नॉन कर, तो फंड्स एंड लायबिलिटीज वाली हेडिंग भी आपने देनी है, मैंने स्किप कर दी है, ठीक है, ओके। तो फंड्स हैं, अब आज भी कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, सिर्फ जनरल फंड्स ही हैं, ठीक है। तो जनरल फंड, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। लायबिलिटीज पांच सात लाइनें खाली छोड़ दो, एसेट्स नॉन करंट एसेट्स तीन चार लाइनें खाली, करंट एसेट्स बाकी का सफा खाली। ट्रेडिंग एक्टिविटी पता लगा, कैंटीन की ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट ए है वर्किंग वन, इसको नहीं कहना, और ये रिक्वायरमेंट बी है और ये भी रिक्वायरमेंट बी है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, एक दो लाइनें खाली छोड़ के नेट प्रॉफिट, लेकिन आज इस नेट प्रॉफिट के नीचे भी दो लाइनें खाली रखना, कुछ एडिशनल काम करना है, उसके बाद जरूरत के मुताबिक लेजर्स बनाएंगे जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो 30 सेकंड है, आप इतना ही कर सकता हूं मैं, जिसने अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया था वो बना ले, पहले बना लेना चाहिए था, साथ साथ जबानें चलती रही उस वक्त हाथ नहीं चले। फॉर्मेट बना ले, की सोच रहा हूं मैं, छित्ती कर फिर नुक्कड़ में घुस के आ रहे तू है। अल्लाह अकबर, ये हाफिज साहब, बाकी हाफिज साहब किधर हैं, दो क्यों पीआरसी में गड़बड़ हो गई थी, ये बड़ा मसला है यार। हाँ जी आ जाए आप इधर। पॉइंट वन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है तो लेजर्स ओपन करेंगे, शुरू करें जी। सबसे पहले है कैंटीन ट्रेड पेबल्स, आसानी के लिए मैं क्रेडिटर्स लिख रहा हूं, क्रेडिटर्स कैंटीन जी, ओपनिंग बता दें, थाउजेंड में बताना है सवाल, थाउजेंड में 71, अब बताते रहना मैंने मुड़ मुड़ के को नहीं देखना। क्लोजिंग 55, पॉइंट टू भी दसो ना पाए ना,
55.2, पता नहीं पीछे 1000 में सवाल का सोल्यूशन हो ना हो, फिर बाद में मैच ना हो रहा हो, इसलिए पॉइंट्स बताते रहो, ठीक है? जितने भी पॉइंट्स आए, थोड़े से ही पॉइंट्स आने, ज्यादा नहीं आने। नेक्स्ट क्या है जी? कैंटीन इन्वेंट्री, ठीक है? तो इन्वेंट्री का अकाउंट बना लो, इन्वेंट्री ऑफ कैंटीन ओपनिंग 60, क्लोजिंग 39.5। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है, एरियर में भी एडवांस में भी इकट्ठा ही अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम का जी, एरियर एडवांस नहीं लिखना, बस बीडी सीडी लिखो, टाइम बचाओ। यहां पे भी एरियर मतलब एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, ठीक है? तो ब्रॉड डाउन 15.8 ओपनिंग एरियर, क्लोजिंग एरियर सीडी 27.6 जी। नेक्स्ट है जी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस ब्रॉड डाउन इस तरफ लाइबिलिटी साइड 55.2, क्लोजिंग एडवांस 35.5। नेक्स्ट टेलीफोन ड्यू, इनकम नहीं है वैसे भी, आप बताइए बिल एक्सपेंस होता है और वैसे आ भी रहा था पेमेंट साइड पर, तो टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल है, तो वो मैं इस तरफ इसलिए ले आया था पिछली क्लास में भी जब करवाया कि फिक्स एसेट वाले सारे लेजर्स में 6 के 6 इकट्ठे बना लूं, सिर्फ इसलिए, और कोई वजह नहीं थी इस तरफ लाने की जी। तो टेलीफोन एक्सपेंस ब्रॉड डाउन 3.9, कैरी डाउन 5.9। नेक्स्ट इज कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू यानी पेएबल, तो कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू मतलब पेएबल, ओपनिंग पेएबल 3.2, क्लोजिंग पेएबल 3.9। पॉइंट वन इज ओवर जी, जल्दी करें, 30 सेकंड में करना है लेकिन ये काम, शाबाश, जल्दी जल्दी ये काम स्पीड से होना चाहिए, यही तो आपको टाइम बचा के मार्क्स देगा ज्यादा इस तरह से। ये जो काम रूटीन वाला है इसके ऊपर देर नहीं लगनी चाहिए, जल्दी शाबाश जल्दी। ये चार चार पांच पांच लाइनों वाले लेजर नहीं बनाने होते हमने, ठीक है? बस एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे टी की शक्ल में, टाइम जाया होता है उस तरह से लेजर बनाने में, ठीक है? एक लाइन टी की शक्ल में लेजर बनाया करें, ऐसे कॉलम्स ना बनाया करें, इसमें टाइम जाया होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? पेपर के अंदर एक एक सेकंड कीमती है हमारे पास। लेजर बस जैसे अलाउड है बना लो, टी की शक्ल में एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक लाइन वर्टिकल, बस ठीक है बच्चों? जी पॉइंट वन हो गया भाई, है भाई मशीनों, मशीन किधर गई मेरी? पॉइंट वन हो गया, जल्दी करना। ये तुम लोगों में मोहब्बत है वैसे, है साथ फंस फंस के बैठे होते हो, बाकी सारे 6-6 बैठे होते हैं जी। यार करा दो यार, बस करो, अब पानी पी लूं फिर इतनी देर में। सेहत गड़बड़ है, वो घर रह गई सुबह।
जी भाई, लेजर अगर वर्किंग में है तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि लेजर में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर वो वर्किंग में है। बेहतर है कि वैलिडी यूज करो। अब एक्युमुलेशन को एडी लिख दो, वो समझे अल्लाह देता लिखा हुआ है, मुनासिब नहीं है। एक्डेप लिख लो, चलो गुजारा चलता है। डेप्रिसिएशन को डेप लिख दो, चलो गुजारा चलता है। चलो बहरहाल ओके जी, नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर टू। चेक करने वाला डॉक्टर भी हो तो उसको तुम्हारे पर्चे की समझ आनी चाहिए कम से कम। जी नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंसेस है। सबसे पहले है क्लब हाउस एंड कोर्स। तो क्लब हाउस एंड कोर्स ये कॉस्ट है, इसकी एक्युमुलेशन है अलग से, एक्युमुलेशन ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स। जी इधर देखें, क्लब हाउस की ओपनिंग कॉस्ट है 3156 और ओपनिंग अक्यूमुलेशन है 214.6। बोलो 3156 और 214.6 ओपनिंग्स लिख लें। नेक्स्ट फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स, ओपनिंग 552 कॉस्ट का और 166 अक्यूमुलेटेड। तो फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है ओपनिंग 552 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एंड फिक्स्चर की 166 बस। नेक्स्ट कोर्स इक्विपमेंट, ये जो एसेट है इसकी ओपनिंग है 1262 और एक्यूमुलेशन है ओपनिंग 540। तो कोर्स इक्विपमेंट कॉस्ट है ओपनिंग 1262 और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओपनिंग कोर्स इक्विपमेंट की बोले 542। लिखें जी ओपनिंग, पॉइंट टू इज ओवर। उधर देख के ना लिखा करें, सवाल की तरफ देख के लिखा करें। नजर नहीं आ रहा क्यों, मसला है कोई? किसको कैरी डाउन कहां से लिखूं, है नहीं ना सवाल में गिवन। ये दूसरी भी नहीं, तीसरी रो में आ जाओ, तीसरी रो में आ जाओ, तीसरी रो सैफल जगह बना दो यार, आप लोग मशीन भाई जगह बना दो यार। जी बेटा नहीं, अगर मेरे भाई का एक और सवाल आया जी, भाई की तरफ से सवाल आ रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि कॉस्ट और एक्युमुलेशन अलग अलग गिवन है तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लें। बना तो सकते हैं, पर मेरी सजेशन है अगर सवाल अलग अलग दे तो आप भी अलग अलग बना लो। सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। चलें जी आप आगे। अच्छा जी, अब बाकी सवाल करने से पहले ये मुफ्त के नंबर ले लेते हैं, ठीक है। रिसीट पेमेंट में जो जो चीजें गिवन है उनको रेलेवेंट जगह पे, रेलेवेंट थां पे, रेलेवेंट जगह पे पहुंचाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है जी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, क्या एंट्री होगी इसकी? ओपनिंग या क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, लेकिन इसे जहां जाना है वहां पहुंचा दो वरना मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग सवाल तकरीबन रीड कर लिया हमने, कहीं पे भी ओपनिंग जनरल फंड गिवन नहीं है तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अब उसकी वर्किंग नहीं करनी, अब हम बड़े हो गए हैं, ये ब्रैकेट में एसेट्स लिखा करेंगे, लेस लाइबिलिटीज किया करेंगे और हम ओपनिंग जनरल फंड निकाल लेंगे। तो क्या है जी ओपनिंग 150, ये यहां लिख लो ताकि बाद में भूलो ना, मिस ना हो, ठीक है। अच्छा अब जरा एक मिनट के लिए सब्र कर ले, देख ले कैसे पोस्ट होता है, फिर एक नहीं दो मिनट दूंगा आपको पोस्ट करने के लिए ताकि प्रैक्टिस हो डबल डबल, तैयारी हो साथ साथ, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, फिगर तो बोलो। सिक्स 4.9। नेक्स्ट
कैंटीन रिसीट्स, वही उसूल है, अगर लेजर होगा तो लेजर में वरना डायरेक्ट। तो ये लेजर कोई नहीं है डेटर सेल्स का, ठीक है, डायरेक्ट भेज दो इसको। तो रिसीट पेमेंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट 331.4। यहां पर रुपीज इन थाउजेंड्स लिख लो क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट है। वर्किंग के अंदर रुपीज इन थाउजेंड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, पर रिक्वायरमेंट में लिखना होता है, ठीक है जी। तो ये देखो रिसीट पेमेंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डन। नेक्स्ट, गोल्फ कोर्स फीस इनकम है, लेजर कोई नहीं है डायरेक्ट, लेकिन एंट्री बोलो रिसीट पेमेंट डेबिट गोल्फ कोर्स फी क्रेडिट इनकम्स में कितना 284, ठीक है। नेक्स्ट, इवेंट रिसीट्स और कंपटीशन फीस, मैंने आपको कहा नेट करना होता है, इसलिए इनको आउटर कॉलम में ना लिखिएगा, इनको फिलहाल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फिर पोस्ट कर देते हैं। तो रिसीट पेमेंट डेबिट 86.8 से और इवेंट लिख दो, सिर्फ इवेंट क्रेडिट, इवेंट इनकम कितना जी 86.8। अच्छा सुनो, इधर आपको बजाहिर नजर आ जाया करेगा कि रिसीट ज्यादा है एक्सपेंस से तो इनकम में आना है, रिसीट ज्यादा है एक्सपेंस से तो इनकम में आना है, लेकिन खुदा ना खास्ता नहीं नजर आया, को बाद में एडजस्टमेंट पड़ गई और आपने लिखा हुआ था इनकम ने, लेकिन जब नेट हुआ तो निकल आया एक्सपेंस, तो कोई मसला नहीं, यहां पे लाइन लगा देना, इसको यहां पे लिख देना, परेशान नहीं होना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन फीस रिसीट पेमेंट, ये समझ आई मैंने क्या बात की है, बाद में अगर नेट करते हैं तो एक्सपेंस आए तो एक्सपेंस में लिख रहे हैं ना, तो इनकम वाली साइड से कार्ड के नीचे लिख लेना, ठीक है, नहीं वहां नहीं माइनस में लिखना, बेवकूफ थोड़े हो, नीचे एक्सपेंसेस पड़े वहां लिखो ना जी, जी जल्दबाजी नहीं करनी। कंपटीशन फीस ये रिसीट पेमेंट में डेबिट और इनकम में क्रेडिट, कंपटीशन लिख लो सिर्फ, कितना है जी 6, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया। अब रिलेटेड एक्सपेंसेस जब आएंगे क्रेडिट साइड पर, उनकी बारी जब आएगी, तरतीब नहीं छोड़ेंगे, तो उस वक्त यहां पे लिख लेंगे और फिर नेट फिगर आगे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड, ये तो डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, रिसीट पेमेंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, नहीं है, वाह जी, रिसीट पेमेंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, और यहां लाइट सी लगी हुई थी ना, याद है जी, कितना 19.8 ले जी। आज तो कॉस्ट भी आएगी, कंडक्शन भी आएगी, दोनों अलग अलग जो है, ठीक है, और फिर गेन लॉस निकलेगा, गेन आ गया तो इनकम में लिख देंगे, लॉस आ गया तो एक्सपेंसेस में लिख देंगे, डिस्पोजल का डेबिट साइड इज ओवर, पोस्ट करो, क्रेडिट साइड बाद में, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, आप दो मिनट नहीं, एक मिनट, क्योंकि सिर्फ डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड नहीं है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये काम जल्दी होना चाहिए, इधर देख के करेंगे, इधर देख के, सॉल्यूशन नहीं देख रहे, बुक पे नहीं देख रहे, कैमरा इधर ले आए, चले उधर ही रहने दे, चेक करने वाले चेक कर लेंगे, ऑनलाइन वाले हाइब्रिड वाले बाद में। अभी तुम्हारा फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, बनाया नहीं था पहले, तुम्हें क्या लगा मैं फॉरन वैसे ही बना शोगर लगा रहा हूं, दोबारा भी कर लेना, सॉल्यूशन लायो, अभी रखो, देखते हैं वापसी पे निकलते हुए ले लेंगे, यहीं रख दो एंड पे। जालेब वाला सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, सॉल्यूशन दिल करता है सिर्फ इन्हीं को देके भेजूं, टेस्ट में बैलेंस हो गया था, अच्छा ठीक है, सुबह वाली क्लास में सॉल्यूशन नहीं दिया भाई, मेरे आने से पहले दे देना सुबह दोनों को, ले जी हो गया यार, चार तो एंट्रीज थी, पांच कर लो, छे हैं, हम मशीनें तो नहीं हो, लेकिन आम इंसान इतनी स्पीड में कर लेता है,
मैंगो मैंगो मैन। भाईजान ये मूड पड़ता है, एक एंट्री कर लेते हैं बस, फिर आगे कुछ नहीं करते, क्या चक्कर है? कर लिए सारी? अच्छा ठीक, ओके। पेमेंट साइड शुरू करते हैं जी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एंट्री बोले, एंट्री क्रेडिटर, डेबिट, रिसीट, पेमेंट, क्रेडिट, कितने से? 213। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज, क्लब हाउस की इनकम एक्सपेंडिचर में, वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन की, ये आप फिगर मुझे लिखवा देना, मैंने दोबारा 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 नहीं आना जी। तो इधर देखो, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कितनी, इधर देखिएगा जरा प्लीज, 284 से वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक है, और इधर भी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक है जी। डन। नेक्स्ट, अब देखो ना, सवाल अभी तक कोई टेक्निकल चीज सवाल के अंदर नहीं की, लेकिन कितने मार्क्स स्कोर कर चुके हो? रिक्वायरमेंट है ये, रिक्वायरमेंट है ये, रिक्वायरमेंट है ये, इधर जो भी फिगर पहुंच रही है उसके मार्क्स मिल रहे हैं आपको। इवन कि आप कोई सवाल अभी यहां पे आप मजीद ना करो, जो आपको ये क्लोजिंग्स गिवन है ये उठा के बैलेंस शीट में लिख दो, उसके भी नंबर होंगे। तो मार्क्स इस सवाल के अंदर बिखरे पड़े हैं, बस समेटने होते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? कोर्स रिपेयर्स, सिंपल एक्सपेंस है, लेजर कोई नहीं है, डायरेक्ट ले आओ, कोर्स रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, कितने से? 149.9 से। ये कोर्स रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट है जी इंश्योरेंस। अच्छा, एडजस्टमेंट फाइव की वजह से मैं इसको लेजर में पोस्ट कर रहा हूं, अगर एडजस्टमेंट फाइव ना होती तो ये भी डायरेक्ट पोस्ट कर देते। एडजस्टमेंट फाइव अभी आपको पढ़ाई नहीं है, पर्चे में तो आप सवाल पढ़ के ही करते हैं ना शुरू, तो आपको पता होगा कि ये एडजस्टमेंट की वजह से लेजर बना लेना आसानी है, ठीक है। बहरहाल लेजर में पोस्ट करो इसको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। तो इंश्योरेंस का लेजर ओपन करेंगे और उसमें ये पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर ओपन हो गया जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस में डेबिट कितना? 72, और रिसीट पेमेंट क्रेडिट 72 से, ठीक है जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट फेंक दोगे। टेलीफोन का लेजर मौजूद है तो टेलीफोन के लेजर में इस एंट्री को कर दोगे, ठीक है। फिगर्स मुझे लिखवाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है जी? 47. ये देखिएगा, 47.3 से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, और दूसरा टेलीफोन, उसका लेजर मौजूद है तो टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कितने से और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। डन जी। नेक्स्ट जी स्टूडेंट जी, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए था, औरों के भी जहन में आना चाहिए था। ऐसे तो फिर जी ऐसे तो फिर भाई हम हर एक्सपेंस के बारे में यही सोचने लग जाएंगे, तो जब तक सवाल खुद नहीं कह देगा हम नॉर्मल ही अज्यूम करेंगे। क्लब हमारा बड़ा है, बीच में कैंटीन भी है, बस ठीक है, उस कैंटीन का खर्चा उसने अलग से नहीं बताया, तो हमने खुद से अज्यूम नहीं करना, अनलेस के वो खुद अलग एक्सपेंस बताए या कोई रेशो बता दे, आपने खुद से अज्यूम नहीं करना। अगर आप अज्यूम कर भी लो कि कैंटीन का भी बिल इसके अंदर है, तो फिर क्या करोगे, आगे कर क्या सकते हो? कुछ मुमकिन है, कुछ नहीं मुमकिन। अपनी जिंदगी को मुसीबत में नहीं डालना, हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, जो आसानी सवाल ने दी हुई है वो आसानी समझो। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के साथ वो लिख देता ये क्लब हाउस का ये कैंटीन का है तो अलग लिखते, या वो एक लिख कर कहता इसमें 10% कैंटीन का है, 90% जो है वो फिर क्लब का है, तो अलग अलग करते। लेकिन जब खामोश है तो आप भी खामोशी से इसको वहां पर लिख दो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इवेंट एक्सपेंस, लेजर मौजूद है? नहीं है, लेकिन इसको नेट करना है ब्रैकेट में, तो है तो एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंसेस में नेगेटिव साइन की बजाय इनकम्स में ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, ठीक है। तो एंट्री करवाओ, है कितना? 47.3, ये
इवेंट एक्सपेंस डेबिट 47.3 से समझो, ये एक्सपेंस यहां डेबिट करने के बजाय यहां माइनस कर दिया, ठीक है, और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट है जी सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, एंट्री बोलो सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट 15 से और रिसीट पेमेंट क्रेडिट 15 से, ठीक है। लास्ट है कंपटीशन एक्सपेंस, इसका लेजर चूंकि मौजूद है तो इसको डायरेक्ट मत लिखना, पहले लेजर में ले जाना, वहां से एक्सपेंस की फिगर जो निकलेगी उसे फिर ब्रैकेट में लेकर आना है, ठीक है। और सादा बात है यार, कहा हुआ है आपको जिसका लेजर हो इसको वहां पे पोस्ट करना है, तो फिलहाल लेजर में पोस्ट करो फिर देखते हैं जी। तो कंपटीशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 6 से और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, यहां से भाई निकलेगी ना एक्सपेंस की फिगर, वो एक्सपेंस की फिगर फिर यहां पे माइनस करेंगे एंड पे। कंपटीशन फीस कहां लेकर नहीं गए, इस लेजर में, ये एक्सपेंस का लेजर है बेटा, ये इनकम का तो, ये रिसीट का तो लेजर नहीं, रिसीट तो डायरेक्ट यहां पे आ गई है। हाँ, यहां से हम देख रहे हैं कि इस इवेंट के इस कंपटीशन में हमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, कुछ पेएबल हैं ओपनिंग, कुछ क्लोजिंग पेएबल है, कुछ पेमेंट कर दिए, तो यहां से एक्सपेंस निकलेगा, वो एक्सपेंस यहां लेकर जाएंगे, ठीक है। और इस क्लोजिंग को भी ले जाओ बैलेंस शीट में, ये ना हो ये रह जाए, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज में, अच्छा एसेट में, एसेट में किसी ने लिख दिया कैश एंड बैंक, किसी ने लिख दिया रिसीट एंड पेमेंट, दोनों ही सही हैं, 640 1.6, ठीक है जी। चले जी शुरू हो जाए, अब 30 सेकंड दोबारा दिए गए आपको, स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड, लेजर्स ओपन है बस इंपैक्ट डालने, एक एक इंपैक्ट पड़ा हुआ है, दूसरा तो जल्दी करें, शाबाश जी। ये एंट्रीज करनी नहीं है, साथ साथ कर ली है तो फिर मुंह उठा के बैठो, ये संडे ऑन कर लें आपका फिर। हाँ मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिल किया तो कर लूंगा, कल अनाउंस कर दूंगा सुबह इंशाल्लाह, और सबको इकट्ठा ही बुलाऊंगा, सुबह 7:30 ही बुला देता हूँ, तीन से चार घंटे की क्लास करेंगे, बस दो ब्रेक्स, एक ब्रेक के साथ दो सवाल इनकम एक्सपेंडिचर के कर लेंगे, ठीक है। एक सवाल करके फिर 15-20 मिनट की ब्रेक करके दूसरा सवाल करके फिर छुट्टी, ठीक है। 7:30 से शुरू करेंगे तो 11 बजे तक छुट्टी भी हो सकती है, ओके जी। उम्मीद हो गया आप लोग बातें शुरू, अच्छा जी खामोश हो जाएं, मैं आपको इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर दूंगा, जो भी टाइम होगा, जितना ड्यूरेशन होगा, जो भी दिन होगा, बता दिया जाएगा आपसे, पूछा नहीं मैंने, गलती कर बैठता हूं ऐसे कह देता हूं। तो ठीक है ना, वो भी सुन लेना, ये आखिरी 20-21 दिन है यार, आप लोगों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोग इतना साथ साथ पढ़ते हुए पहुंच गए, मेहनत की है तो पहुंचे हैं, आपने रोज मेहनत की है, एंड भी नहीं करनी पड़ रही आपको अलग से, आप तो आदी हैं, ले आए भाई इधर आमिर भाई, हो गया काम, अम्मी ना बनाओ उस्ताद ही ठीक हूं। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ लो मुझसे जी। जी पॉइंट नंबर 1 और 2 हो गए थे, रिसीट पेमेंट भी हो गया, अब सुने इधर, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पॉइंट 2 के इस कॉलम के साथ मिलाकर पॉइंट 3 और पॉइंट 4 ये दो पॉइंट्स हैं जिनसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकलेगा, ये 6 के 6 लेजर्स कंप्लीट भी होंगे, इनके क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहुंचेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये सारा काम करने के लिए 3 मिनट हैं आपके पास,
तीन लेजर्स हैं सिर्फ, 3 मिनट बहुत ज्यादा हैं, जल्दी करें, एक्सपेंस कैलकुलेट करें, लेजर्स कंप्लीट करें, मैं बाद में करवाऊंगा, जल्दी करें। नहीं, इकट्ठे ही रखो बेहतर है, क्यों मुसीबत में पड़ते हो टाइम जाया करने के लिए। भाई जबानों से क्या लिख रहे हो, एक मिनट गुजर गया है। है? क्या लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट? सवाल नहीं दोबारा किया, दौड़ गए हो। लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है। जी लास्ट मिनट में से आधा मिनट रह गया। ओके जी, टाइम्स आप मिलके करते हैं। सबसे पहला एसेट है जी क्लब हाउस एंड कोर्स। पॉइंट वन में बताया था उसने, द क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40, यानी इस 3156 पर पूरे के पूरे पर 5% डेप्रिसिएशन रेट नहीं लगा देना, क्योंकि इसमें 60% लैंड का पोर्शन है, तो डेप्रिशिएट सिर्फ लैंड के पोर्शन को करेंगे। अच्छा, डेप्रिशिएट करेंगे सिर्फ बिल्डिंग के पोर्शन को, तो 3156 इंटू 40% इंटू 5%, कोई और एडिशन, कोई और डिस्पोजल इसमें नहीं। रिसीट पेमेंट पूरा पड़ा है, एक इक्विपमेंट डिस्पोज हो रहा था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाले मन ऐसे ही है, उसके अलावा कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई एडिशन भी नहीं है, वरना रिसीट पेमेंट में नजर आ जाता है, किसी एडजस्टमेंट में नजर आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल एक ही डेप्रिसिएशन है ओपनिंग एसेट्स के ऊपर, वो यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग यहीं पर कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वन बाय वन सबका, सबसे पहले क्या है जी क्लब हाउस एंड कोर्स, इधर देखिएगा जी प्लीज, 3156 ये है टोटल कॉस्ट, इस पे रेट नहीं लगाना, इसको करेंगे 40%, ये आ गया बिल्डिंग पोर्शन, इस पे लगाएंगे 5%, आंसर इज 63.12। अब जरा प्लीज देखिएगा इधर,
एंट्री हो रही है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 61.63.12। कोई वर्किंग अलग से नहीं की, वो एग्जामिनर को नजर आ जाएगी वर्किंग, ठीक है। अच्छा, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा होता और अक्यूमुलेशन अलग ना होता तो यही एंट्री हम कर देते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। क्लब हाउस एंड कोर्सेज ओवर। अब सुनो, इधर कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग वही 3156 आ जाएगा, और यहां डेप्रिसिएशन एड होने के बाद इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 277.72 आ जाएगा। ये मैंने 277.72 लिखा है जी, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा लिख ही देता हूं दोबारा, 277.72। अब ये क्लोजिंग्स बैलेंस शीट में ले आओ, इधर देखो, नॉन करंट एसेट्स में क्लब हाउस एंड कोर्स। शायद एसेट अकाउंट का, तो एसेट अकाउंट को तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी हमें, तो ना बनाना चाहो तो ना बनाओ, वक्त बचा सकते हो, लेकिन चूंकि पहली बार फिक्स एसेट एंड ऑप्शन जो है वो यहां पर इन्वॉल्व हुआ तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि वो कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है कैलकुलेशन, तो ऐसे ही लेजर बना लेंगे और उनके क्लोजिंग्स को ले आएंगे, इसलिए मैंने जरा प्रैक्टिस करवा दी। चाहो तो फिक्स एसेट का अकाउंट बेशक ना बनाओ, बल्कि एक्यूमुलेशन का अकाउंट भी ना बनाओ डायरेक्ट, अगर कर सकते हो ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, सही है। चलो, तो क्लब हाउस एंड कोर्स में क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट का 3151, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग कितना आ रहा है 3151। वैसे तो ना बनाते तो फिर ठीक था, चलो अब बना दिया तो मैं वर्किंग का रेफरेंस दे देता हूं, वर्किंग नंबर 6 से ये एसेट अकाउंट का क्लोजिंग आ गया माइनस 277.72 ये वर्किंग नंबर 7 से आ गया, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू 287.28, ये बुक वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसमें भी कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, जस्ट इसकी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो 10% स्ट्रेट लाइन है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कॉस्ट है 552 इंटू 10%, 55.2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। तो देखो भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 55.2 से, बस क्लोजिंग ये 552 ही आ गया और इसका क्लोजिंग आ गया 221.2। एसेट अकाउंट का क्लोजिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स 552 वर्किंग 8 से आ गया माइनस 221.2 वर्किंग 9 से, जी 330. कितने बच्चों ने ये दोनों बुक वैल्यू सही निकाल ली थी, जैसे भी निकाली कोई मसला नहीं, जैसे भी निकाली, यहां तक पहुंचे ही नहीं थे। ओके जी, नाउ कोर्स इक्विपमेंट। कोर्स इक्विपमेंट में एक डिस्पोजल भी है, पॉइंट नंबर 4 उसके साथ रिलेट कर रहा है, उसको भी पढ़ लें, ठीक है। कोर्स इक्विपमेंट के बारे में कहता है, कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 वाज डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19,800। तो स्टेप वन में हम एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट क्रेडिट कर दिया करते थे, वो कॉस्ट ही गिवन है, तो 55 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया 55, कोर्स इक्विपमेंट से कॉस्ट आ गई।
नेक्स्ट स्टेप है इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से करते थे डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में कर दिया करते थे क्रेडिट। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लें और जितनी जिंदगी इसने हमारे पास गुजारी उससे मल्टीप्लाई करें तो क्यों डेप्रिसिएशन निकल आएगी डिस्पोजल की, ठीक है। अब वो कहता है आगे ये 1900 वॉज डिस्पोज ऑफ, 1900 तो पहले से लिखा हुआ था ना हमने, रिसीट पेमेंट को पोस्ट करते हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दी, बात नहीं की इसकी। अच्छा, द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2008, आगे कुछ ना लिखा हो तो 8 का साल डेप्रिसिएट होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और हम 12 में हैं, 12 का क्या करें, उसने लिखा नहीं, यहां पे नहीं लिखा हुआ अगर ये, तब भी हम क्या अजम्पशन लेते क्योंकि उसने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर और हमने कहा था अगर सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन या डिस्पोजल मिसिंग हो साल का पहला दिन, उसूल वो जो हर जगह लगे ना, ठीक है, साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे, तो साल का पहला दिन अज्यूम करें तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होनी। वैसे उसने ये बात लिख दी थी, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, तो अज्यूम यही करेंगे साल के पहले दिन ये डिस्पोज हुआ। तो फिर 8 में खरीदा था, 8, 9, 10, 11, 4 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी होगी, ठीक है, सही है। तो एक साल की डेप्रिसिएशन यहां निकालें 55 का 20%, ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, इनटू 4 किया तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई डिस्पोजल की सारी जिंदगी की, कितनी 44 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट हो गया क्रेडिट। चलो अब ये अकाउंट मुकम्मल ही कर दें, 8.8 किस तरफ आ गया, डेबिट साइड पर, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट, तो ये तो क्या है, गेन है, ये क्या है, गेन है। अगर ये गेन है तो इसको कहां लिखेंगे, एक्सपेंसेस में, इनकम्स में, गेन ऑन डिस्पोजल वर्किंग 12 8.8 डन। तो आइए 16 पे लगा हुआ वक्त अभी तक 7 चल रहा है, जान नहीं छूटी उसे, कैश फ्लो में भी आ गया था, इधर भी आ गया, आई एस 8 में भी फिर रहा था, आई एस 1 में भी फिर रहा था वो। ओके, अब यहां क्या रह गया, ये तो क्लोजिंग निकल आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रहता है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए जरा रिवीजन करते हैं, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है इतनी डिटेल्ड वर्किंग की, लेकिन चलो डिस्पोजल आ गया तो आपको याद होगा कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन ऐसे किया करते थे, ऐसे तो नहीं करते थे, ऐसे करते थे जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। हाइब्रिड में खामोश रहे, पहली रो में फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हैं, खामोश रहे प्लीज जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, यही करते थे। तो हमारा मेथड कौन सा है, तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1262, ठीक है, तो 1262 है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, माइनस 55 है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट कितना है जी, 20%, आंसर इज 4। एडिशन हुआ कोई, डिस्पोजल है तो सही लेकिन उस पर कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, तो इसका मतलब यही टोटल बनता है 241.4। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे, अगेन अगेन सिर्फ पहली लाइन वाली वर्किंग ही है, तो इसको भी मैंने वर्किंग का नंबर नहीं दिया, कोई करना चाहे तो बेशक करे, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा इसको भी हम वन लाइन वर्किंग में लेकर आए, यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डायरेक्ट कैलकुलेट हो सकता था। सवाल को देख के एंटिसिपेट कर लिया करें ना, ठीक है, कि वर्किंग की जरूरत है या नहीं है, कर ली तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोर्स इक्विपमेंट जी, 1162 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस 55 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू 20% इज इक्वल टू, इधर देखिएगा जरा प्लीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कंप्लीट, क्लोजिंग बैलेंस
1207, क्लोजिंग बैलेंस 739.4। कोर्स इक्विपमेंट जी 1207 वर्किंग 10 में माइनस 739.4 वर्किंग 11 नेट बता दो 467.6। समझ आ रही है? मजे की बात बताऊं? बताओ तो नहीं किसी को। ये अकाउंट भी खत्म, ये 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 भी खत्म। क्यों? जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था वो भी हमने लिख लिया, जो क्लोजिंग से बैलेंस शीट में वो भी लिख दिए, ये साथ ही हो गया। चलें जी, अब पॉइंट नंबर 5 करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है ना। क्यों समझे? करें, फास्ट बॉलर नहीं है आप, फास्ट बॉलर। कोई नहीं, 1.5 मिनट लेने, चाय थोड़ी गर्म है। भाई साकिब, एक तो इन बच्चों को कह दो बोले ना, दूसरा 3:15 बजे रूम नंबर 8 के बाहर कोई 2-4 बच्चे ही अगर हो ना सुबह वाली क्लास के, तो वो हाइब्रिड की बजाय उनको कहिएगा कि इधर ही बैठ जाएं, आके इधर वाले हाइब्रिड में आ जाएं, फिजिकल में आ जाएं, जगह बना देंगे अगर 2-4 ही हो तो। वहां वाला हाइब्रिड ऑन नहीं किया आमिर भाई अभी तक? कितने बच्चे कर चुके हैं एडजस्टमेंट? सिर्फ 2-3 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। क्रूअल प्री पेमेंट याद नहीं है? क्या हुआ? ये देखें जी, बस करें आप। पहले इसको छुपा के बात करते हैं। द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है? 72,000। ये ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स में 72,000 आ रहा है ना इंश्योरेंस, तो जिस 72,000 के बारे में क्या कह रहा है कि ये 72,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर कवर्स द पीरियड 1 अक्टूबर 12 टू 30 सितंबर अगला साल 13। यानी ये 72 पूरे साल का प्रीमियम है और इस साल का स्टार्ट हो रहा है, इंश्योरेंस के साल का स्टार्ट हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम के साल का जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अक्टूबर 12 हमारे साल में हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे साल में फॉल करता है, और अगले 9 महीने, अगले साल के 9 महीने भी हमने इसी साल में प्री पे कर दिए हैं। वही पेमेंट को पकड़ा और उसकी रेंज चेक की, वो हमारे साल से आगे जा रही थी 9 महीने, तो क्लोजिंग में क्या आ गया? प्रीपेड। तो क्लोजिंग
प्रीपेड। इधर देखें जी कैसे निकलेगा, 72,000 है पूरे साल का, 72,000 है पूरे साल का, तो 72 डिवाइडेड बाय 12, उसने खुद बताया है यकम अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13 तक का साल कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने 3 महीने इस साल के अंदर एक्सपेंस में लेने हैं और अगले 9 महीने इस साल में प्री पे कर गए हैं, तो क्लोजिंग डेट पे प्री पेड कितने मंथ्स की इंश्योरेंस होगी, 9 मंथ्स, 54, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये अगली ब्लैक वाली लाइन ना होती सवाल में तो बस सवाल खत्म था, हम क्या अज्यूम करते कि पहली बार ही हमने इंश्योरेंस ली है और ओपनिंग इंश्योरेंस 0 है और बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस में ले जाते, ठीक है। लेकिन सवाल में उसने क्या लिखा, कहता है द प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 48, पिछले साल का प्रीमियम कितना है, 48। वैसे भी प्रीमियम के बारे में सवाल खामोश हो तो वो सालाना ही होता है, अगर क्योंकि इंश्योरेंस वाले साल के पैसे इकट्ठे लेते हैं, एडवांस में लेते हैं, ठीक है। अगर एक साल से कम का प्रीमियम होगा तो वो खुद बताएगा इतने महीनों का है, 3 महीनों का है, 6 महीनों का है, 9 महीनों का है, ठीक है। लेकिन उसने यहां बताया भी हुआ वैसे कि प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 48, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ये प्रीमियम वाला हमारा इंश्योरेंस का अरेंजमेंट चला आ रहा है, तो ये 48 पिछले साल का प्रीमियम है, तो फिर ये भी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन यही साल कवर कर रहा होगा, पूरे साल का है, तो ये पिछले साल यकम अक्टूबर 11 को 48 पे किया होगा, पिछले साल का अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक्सपेंस में गया होगा, पिछले साल के एंड पे 48 में से 9 महीने क्लोजिंग में प्रीपेड बने होंगे जो इस साल का ओपनिंग प्रीपेड बनने, तो 48 से 72 क्यों हो गया, महंगाई हां जी, महंगाई, ठीक है जी। पिछले साल प्रीमियम 48 था, इस बार इंश्योरेंस वाले का खर्चे बड़े हो गए जी, प्रीमियम बढ़ा दिया हमने, ठीक है, बढ़ गया, सो बढ़ गया, ठीक है। तो अगर अगली लाइन ना लिखी होती तो फिर ओपनिंग 0 अज्यूम करते, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जी इस साल वाले प्रीमियम की रेंज है यकम अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13, पिछले साल का प्रीमियम 48 था, तो मतलब वो सारी बात एज इट इज उसके लिए भी है, तो फिर ओपनिंग प्री पेमेंट भी थी, ओपनिंग में भी प्री पेड था जी। कितना है टोटल साल का, 48 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 36। खत्म कर दें अब इसको भी, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जा रहा है। अच्छा, ये महज एक हसीन इत्तफाक है कि ये भी 54 है, ये नहीं कि आप हर सवाल में इंश्योरेंस वाले में कहो ये ऐसे ही हुआ करेगा। ये क्या है जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, और ये क्या है, प्री पेड इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस वर्किंग 13 में 54 निकाला आपने, ठीक है, और प्री पेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स में। अच्छा, इसके साथ भी वर्किंग का रेफरेंस दे दो, क्योंकि आपने खुद ये 54 इधर कैलकुलेट किया, सवाल में ये गिवन नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कल एक बात कही थी कि ओपनिंग जनरल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस सवाल से ना उठाना, क्योंकि कभी कभी एडजस्टमेंट्स में से आपके ओपनिंग बैलेंसेस निकलेंगे, जैसे ये सवाल में गिवन नहीं था, ओपनिंग एडजस्टमेंट से निकल आया, बल्कि आज जो सवाल आपको होमवर्क में देना है उसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा ही नहीं हुआ, सारे ही एडजस्टमेंट से निकलने, सारे एडजस्टमेंट से निकलने, ठीक है। इससे अगला सी व्यू लिख लो अभी होमवर्क में, सी व्यू वाला सवाल, इससे अगला सी व्यू क्लब, इससे अगला सवाल सी व्यू क्लब, पास पेपर 9 सी व्यू क्लब होमवर्क में है, टफ सवाल है, करंट नॉन करंट का ध्यान भी करना, सही एक्रूअल प्री पेमेंट भी रिवाइज होंगे इसमें, आपको अंदाजा होगा कि 2-2.5 दिन एक्रूअल प्री पेमेंट पे ऐसे ही नहीं लगाए थे, हालांकि आईके की किताब में तो ये सिलेबस में आपके है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसिंग निकालोगे कैसे, ये फिगर कहां से लाओगे, 3 महीने 48 के 9 महीने, तो बात तो एक ही हो गई ना, तो वो तो दो कैलकुलेशंस करोगे तुम 48 के 9 महीने यहां पे इनकम बनाओगे, सॉरी एक्सपेंस बनाओगे, और 72 के 3 महीने एक्सपेंस बनाओगे, 54 ही निकालना है तुमने, तो उससे बेहतर नहीं है कि एक कैलकुलेशन कर लो।
ओके जी, एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ दो, 6 को छोड़ो, 7। एनआरवी ऑफ ओपनिंग कैंटीन, ये समझ आ गई इंश्योरेंस वाली एडजस्टमेंट्स। एनआरवी ऑफ ओपनिंग कैंटीन इज 55.2। कैंटीन की ओपनिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है हमारी किताबों में 60, और वो कह रहा है इसकी एनआरवी है 55.2। क्या पढ़ाया था इन्वेंट्री में? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट सवाल में 60 नजर आ रही है, एनआरवी उसकी 55.2 है, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, इस 60 को काट दो और इसकी जगह लिख दो 55.2। अब आप कहोगे एनआरवी लॉस तो रिकॉर्ड करे। ओ भाई, जब स्टॉक को छेड़ते हैं ना तो लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। चेक करके देख लेना, पहले घर पे 60 के साथ बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकालना, फिर ओपनिंग चेंज करके फिर कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकालना, वो बदल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल जो बैलेंसिंग निकाल रहे हैं तो खुद ब खुद लॉस आ जाता है, या गेन जो भी आना होता है, आपने फिर उसको बॉदर नहीं करना। ठीक है, जस्ट आपने स्टॉक को करेक्ट कर लिया। क्लियर जी? बेटा कॉस्ट ऑफ सेल में लॉस चार्ज हो जाता है जब बैलेंसिंग निकालते हैं। क्लोजिंग की तो एनआरवी की बात नहीं ना की उसने, तफाक अजीब सी एडजस्टमेंट दे दी, उन्होंने ओपनिंग की एनआरवी सही करवाई है, तो कर लिया हमने से। अच्छा जी, एडजस्टमेंट 6 को फिलहाल छोड़ें, वो तो एंड पे जाकर आनी है, सवाल को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, कैंटीन क्रेडिटर से आपको परचेजेस की फिगर मिलेगी, जिसको इन्वेंट्री में लिखते हैं आप, ऐसे ही है 197.2। ओके, तो ये 197.2 कहां जाएगा? इन्वेंट्री के लेजर में। सबका ध्यान अब इधर है जरा, वर्किंग वन से आ गया 197.2, लेकिन उस लेजर को कंप्लीट खत्म कर लें। अब ये चला गया इन्वेंट्री में, और ये जो क्लोजिंग 55.2 है, इसने कहां जाना है? बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में। तो साथ साथ ये काम कर लिया करो, ऐसे ही ना हो बाद में ये मुफ्त के नंबर मिस कर जाओ आप। ठीक है, तो जब लेजर बैलेंस हो गया है तो उसको जो कुछ करना है वो कर लो। ये एक फिगर इनकम एक्सपेंस में जो जाने वाली वो चली गई, तो क्लोजिंग को भी बैलेंस शीट में साथ ही ले जाओ। ठीक है, तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स जी कितने? 55.2 है, ये डिब्बा लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, ओके, वर्किंग का रेफरेंस देना, सवाल के अंदर गिवन था लेकिन नंबर इसके मिल रहे हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट लेजर है इन्वेंट्री, इसमें से आपको मिल जाएगा आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग जी कितना? 212.9। ये 212.9 कहां चला जाएगा जी? ये यहां पे 212.9 कैंटीन के ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये 39.5 स्टॉक है करंट एसेट्स के अंदर नजर आएगा, स्टॉक ऑफ कैंटीन 39.5। फाइनल हो गया ये लेजर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लेजर ने आपको इनकम की फिगर बताई कितनी है, 686.4। ये 686.4 इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इनकम्स में, और ये 35.5 लायबिलिटीज में, और ये 27.6 एसेट्स में, एडवांस और एरियर। ठीक है, तो ये मुफ्त के नंबर लेते जाएं, चलते जाएं। सब्सक्रिप्शन इनकम वर्किंग नंबर, इनकम नहीं लिखा सर आपने, लिख लो भाई कोई नहीं फर्क पड़ता जी, वर्किंग नंबर 3 से 686.4, 35.5 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, 35.5 और 27.6 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स,
27.6. डन 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 डन, ये तो पहली डन है, इधर आ जाओ। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस के लेजर से एक्सपेंस की फिगर कितनी निकली? 21.7। ये 21.7 एक्सपेंसेस में और ये 5.9 एक्सपेंस पेएबल है ये करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 4, 21.7। ठीक है जी, और ये 5.9 टेलीफोन ड्यू, टेलीफोन पेएबल जो मर्जी लिख लो, लेकिन सवाल में गिवन द वर्किंग का रेफरेंस ही देना 5.9। डन, खत्म हो गया ये। कंपटीशन एक्सपेंस 13, होश कर होश, लाहौर आ गया है। अच्छा, 13.3 कंपटीशन एक्सपेंस है और 3.9 कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल बैलेंस शीट में। अब ये एक्सपेंस इधर एक्सपेंसेस में जाने की बजाय ये यहां पे जगह खाली पड़ी हुई है, यहां पे हम पहुंचा देंगे, हमने इसको नेट करना था। तो 13.3 वर्किंग नंबर 5 से हमने निकाला है ये। ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस में चला गया, नेट कर दिया, सही है। और ये किधर गया, 3.9 कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू या पेएबल 3.9। ये पहले ही डन है, ये पहले ही डन है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है, नहीं नहीं ये ट्रेडिंग एक्टिविटी भी रहती है। ठीक है जी, बोले जीपी 118.5 जीपी आ गया, 78.9 इसमें से माइनस करें तो क्या नेट प्रॉफिट आता है? 39.6। अब सब बच्चे थोड़ी देर के लिए जरा काम छोड़ दें। एडजस्टमेंट पढ़ें जी, यहां से द कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स। बस इससे आगे बात ना लिखी होती तो हम क्या कहते, अच्छा ये 39.6 में से लेस कर दो बोनस। ठीक है, और हम कहते जी 39.6 का ये नोट नहीं करना, ये गलत है अभी। ठीक है, तो फिर बाकी नेट प्रॉफिट आ जाता, ये नेट प्रॉफिट है बिफोर बोनस और ये होता नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। बात समझे हो? अच्छा, लेकिन ऐसा उसने लिखा नहीं, उसने थोड़ी सी फनकारी लगा दी। पिछली क्लासेस में ना इसको प्रूव नहीं किया, आपकी क्लास में भी इस पहले पोर्शन में प्रूव नहीं करूंगा, जो पॉज करके फिर मैंने आगे क्लास शुरू करनी है ना उसमें फिर बात ही यहीं से शुरू करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल नहीं। ठीक है, बहरहाल पहले प्रॉब्लम तो समझ लेना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, वो कहता है कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज बोनस। क्या मतलब? मतलब वो कह रहा है ये वाली जो फिगर आनी है ना, जो अभी आपको पता ही नहीं है, इसका 20% उसको बोनस देना है, इसका 20% बोनस नहीं देना। प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम जुमला भाई अंग्रेजी पढ़ो, मेरा कोई कसूर नहीं है, अंग्रेजी लिखी हुई है उसने। देखो क्या कह रहा है, कैंटीन मैनेजर इज, असल में ना ये भी इंट्रो में बच्चे करके आते हैं, अब इंट्रो कम बच्चों ने पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर 8-10 मिनट लगाऊंगा। ओके, बहरहाल कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर बोनस। प्रॉफिट्स यानी वो उन प्रॉफिट्स का 20% बांटो जिसमें से बोनस माइनस हो चुका हो।
है ना, अजीब सी बात। ठीक है, यही तो कह रहा हूं, अजीब बात क्या है, इस प्रॉफिट का हमें पता नहीं। ठीक है, अच्छा, फिलहाल मैंने पिछली क्लासेस में यहां पे एक फॉर्मूला जो एंड पे ड्राइव करके फाइनल करके आपको याद करवाना है वो लिखकर सवाल पूरा कर दिया था। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इंशाल्लाह अभी ये पॉज करके थोड़ी देर में आपको दूंगा, उन्होंने फिर ये यूट्यूब पे सुननी है। ठीक है ना, इसलिए फिलहाल जितना उस क्लास में उतना ही कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे 39.6 का 20% हम नहीं ले सकते। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि आप 39.6 को 20 ओवर 120 कर दोगे तो आपकी फिगर वही आएगी जो आप चाहते हो। क्या फिगर है वैसे बाय द वे, इसका आंसर क्या आता है जरा बताओ, 6.6, तो आंसर 33 आ गया। वैसे जरा आजमाइश तो शर्त है ना, जरा 33 का 20% लगा के देखो, 33 पे 20% लगाओ, 6.6। अब 33 का हमें पता नहीं था, तो ये फॉर्मूला क्या लगा, ये क्या हुआ, ये बाद में बताता हूं, फिलहाल बस ये फॉर्मूला लगा है, इससे सही फिगर आ गई है, ये करके पिछली क्लासेस में सवाल को कंप्लीट किया है। तो फिर अब आपकी क्लास में तो ये पॉज करके आगे आखिरी वाला रिवीजन वाला पोर्शन चलना है ना, तो यहीं से बात शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, बहरहाल ये काम पूरा हो गया, सवाल पूरा हो गया। क्या है ये 6.6, एक बोनस एक्सपेंस है और दूसरा 33 का नेट प्रॉफिट है। बोनस एक्सपेंस की डबल एंट्री करना मत भूलना, ये सिंगल एंट्री अभी हुई है, ये एक्सपेंस डेबिट हो गया है। क्या कोई कैश क्रेडिट हुआ है, बोलो, रिसीट पेमेंट में नजर आ जाता ना, वो तो कह रहा है पे किया नहीं है। वो क्या कह रहा है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस, एंटाइटल्ड है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट निकलना था तभी उसने कैलकुलेट होना था और उसने एंटाइटल्ड होना था। ठीक है ना, तो अब ये जो 6.6 निकला है इसकी डबल एंट्री करनी मत भूलना, इसकी डबल एंट्री है एक्सपेंस डेबिट, जहां पे होना था वहां पे डेबिट हो गया, और पेबल क्रेडिट, तो बोनस पेबल। ठीक है जी, 6.6 की डबल एंट्री पूरी हो गई, और अब इस 33 को कहां ले जाओगे, इनकम्स में आकर लिखा आपने नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी रिक्वायरमेंट ए 33। अब हो गया सवाल खत्म। अब यहां पर क्लास को करेंगे पॉज, और उसके बाद से आगे वाला जो हिस्सा है साकिब खान, उसको YouTube पे चढ़ाना है रिवीजन वाले पार्ट बी के तौर पे प्री वालों का। ठीक है जी, तो यहां पे वैसे करना क्या है, मैं अभी पॉज लूंगा 2-4 मिनट का, उसमें मैंने बाकी बच्चों का है वो बैलेंस करके आए, लेकिन आपने तो अभी करना है ना, 2-4 मिनट की ब्रेक लूंगा, आपने वो ब्रेक नहीं लेनी, मैं यहां बैठूंगा आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्लास रिज्यूम करेंगे, उसमें मैं फिर खुद बैलेंस करूंगा। आपने क्या करना है, इधर देखो, यहां पे टोटल निकालोगे, सरप्लस है तो ऐड कर दोगे, यहां डेफिसिट है तो लेस करोगे, फिर ओपनिंग जनरल फंड मिसिंग है, सारे लेजर्स के ओपनिंग एसेट्स लाइबिलिटीज निकाल के यहां पे ओपनिंग जनरल फंड निकालोगे, और फिर बैलेंस शीट को टैली करके देखोगे होती है या नहीं। ठीक है जी, तो यहां पे पॉज करें आमिर भाई, और आप लोग इसकी बैलेंसिंग शुरू कर दें। चले जी, आज की एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ये रिमेनिंग जो सवाल के अंदर सुबह से छोड़ी हुई थी चीजें उनको मुकम्मल करता हूं। पहले सवाल बैलेंस करते हैं, फिर बोनस वाली एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पेंडेंसीज की तरफ चल पड़ेंगे जो जो हमारी हैं। ठीक है जी, ओके, तो इवेंट डेट करो, क्या आंसर आता है, इवेंट 39.5 पॉजिटिव है। कंपटीशन को डेट करो 33.3। कौन ये भूल गया था, हाँ माशाल्लाह निकल आया कुछ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सारी इनकम्स और ये सारे एक्सपेंसेस इनको नेट करें, आंसर क्या आता है, 153.3। कंफर्म है ये, किताब से भी देख लो, ये नो गलत यही है। अच्छा, नेक्स्ट ये 153.38 क्या है, सरप्लस, यहां पे आके लिखा आपने 153.38। अब आपको चाहिए ओपनिंग जनरल फंड, सिर्फ वो निकल आए तो आप सरप्लस को ऐड करके क्लोजिंग जनरल फंड निकालोगे और सवाल खत्म।
ओके, तो ओपनिंग में लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को माइनस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस 3.9, किसी भी तरह से शुरू कर लेते हैं, यहां से कर ले वहां से। नेक्स्ट ओपनिंग में लायबिलिटी 3.2, तो ये 3.2 इधर आ गया, इसका कोई ओपनिंग नहीं है डिस्पोजल के अकाउंट का, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है जी। 36 ओपनिंग में एसेट है, एसेट है तो प्लस 36 ओवर वो साइड ओवर इधर आ गए। क्रेडिटर लायबिलिटी है 71, माइनस के साथ आ गया, ऐसे नहीं पूरा होना, मैंने लगता आगे भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं चलने दे। नेक्स्ट इन्वेंट्री 55.2 एसेट है तो प्लस 55.2। नेक्स्ट एसेट भी है 15.8 प्लस के साथ, लायबिलिटी भी है 55.2 माइनस के साथ आ जाएगा। यहां पे अब आगे शुरू कर रहा हूं मैं, यहां पे लिखना ही ठीक है, तो 15.8 है मेरे ख्याल से, 15.8 पॉजिटिव और 55.2 नेगेटिव। आगे 6 ये भी लिखने थे जी, एसेट और ये कॉन्ट्रा एसेट लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करेंगे ठीक है। तो 3156 माइनस 214.6, इधर भी पूरा नहीं हुआ, एक और लाइन चलेगी, चलने दो। नेक्स्ट 552 एसेट, 166 कॉन्ट्रा एसेट, तो प्लस 552 माइनस 166 प्लस 1262 माइनस 542, तो प्लस 1262 माइनस 540, और आखिरकार हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई ठीक है। क्या आता है जी 4178.9 जी, ओपनिंग जनरल फंड 4178.9 प्लस सरप्लस 153.38, क्लोजिंग क्या आ गया 4332.28, ये क्लोजिंग जनरल फंड, और ये सारी लायबिलिटीज टोटल करो 44.38, ये सारे एसेट्स को टोटल करो, कुछ रह तो नहीं गया जी, टोटल सही हो गया। तो पर्चे के अंदर मुबारक नहीं देनी, अफसोस करके उठ के आना है, ओहो ये तो बैलेंस हो गया, और अगर ये बैलेंस ना हो तो खुशी खुशी उठ के आना है, उठ के आ जाना है ठीक है, मतलब कि इस पे गौर नहीं करना ज्यादा, कोई एक आधी चीज प्लस माइनस हो जाए तो ये बैलेंस नहीं हुआ करता ठीक है। हाँ उसको देखो एक दफा प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो छोड़ो और आगे चलो, क्योंकि अगर मिल भी जाएगा तो एक दो नंबर एडिशनल मिलेंगे लेकिन 10-15 मिनट जाया हो जाएंगे जिसमें अगले सवाल के आसान 10-12 नंबर आपके पास इंतजार में बैठे हुए थे आपके लिए ठीक है जी। आ जाए जी इधर, इससे अगला सवाल है जी सी व्यू, आपका होमवर्क है सी व्यू क्लब, आपका होमवर्क है, मुश्किल सवाल है, करवाऊंगा या डिस्कस करूंगा जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल तो आपने आपने समझना है बस, दो लेक्चर्स में इनकम एक्सपेंडिचर गोली गोली करा के उस्ताद ने घर भेज दिया था, पर्चे में सी व्यू वाला सवाल आ गया, हर सवाल को ऐसे ही किया करें होमवर्क को, चाहे टेस्ट हो कि मैं आईकेप के पर्चे में बैठा हूं ठीक है। अच्छा जी अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट 6 की तरफ, ले जी कहानी चलती आई चलती आई, और नेट प्रॉफिट की फिगर मिसाल के तौर पे आ रही है 300 रुपए ठीक है जी। ये पहला सिनेरियो है, नॉर्मल सिनेरियो, ये मेरी एग्जांपल है जी,
अच्छा जी, सिनेरियो वन नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल जो जो आज तक बचपन से पढ़ते आए ये वो है। लिखा हुआ है जी कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू आ बोनस, कह दो कमीशन कह दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, बोनस या कमीशन ऑफ 10%, बहुत कम है, अच्छा नहीं लगता, ऑफ 20%, एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर बोनस, ऑफ द प्रॉफिट बिफोर बोनस। अब ये सिंपल बात है, क्या मतलब, वो प्रॉफिट का 20% लो जो बोनस से पहले का है, तो यही तो हमारे पास अवेलेबल है, ये नेट प्रॉफिट में से अभी बोनस माइनस नहीं हुआ हुआ, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस है, आपने इसी के ऊपर लगा देना है 20%। बोनस आप कहोगे जी 300 का 20%, ऐसे ही है, तो 300 का 20% कितना बनता है 60, तो ये सिंपल हो गया, ठीक है जी। और आपके नेट प्रॉफिट की फिगर आ गई आफ्टर बोनस वाली कितनी जी, 240, ठीक है जी। तो ये वो सिंपल सिनेरियो है जो आपका दिल चाहता है कि आपको आया करे। सारा इनकम स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया, बस एंड पे एक्सट्रैक्ट्स बना दिए, नेट प्रॉफिट तक तो हम पहुंच गए थे ना, ठीक है। ये सिंपल सिनेरियो है जी जिसका दिल, जो आपका दिल होता है कि आए, लेकिन ये वाला आता कोई नहीं है, आता नॉर्मली कौन सा है, स्पाइसी वाला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 2। अच्छा, मैं ना एग्जांपल बिल्कुल सेम रखता हूं ताकि आपको पता लगे कि क्या फायदा हुआ अकाउंटेंट को ये फनकारी लगाने का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस है जी 300, ठीक है। अब लेस करना है इसमें से बोनस को, और हमारे पास आना है नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस, अब सवाल कहता है मैनेजर इज एंटाइटल्ड, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ, बोनस या कमीशन, अच्छा जी ये लो भाई बोनस, या खुद भी कुछ कर लिया करो वैसे, बोनस और कमीशन ऑफ, तो हमने तस्वीर नहीं बनानी सर, हम तस्वीर खुद ही तो बनाते हैं, बोनस और कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर सच बोनस, ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर बोनस। अब प्रॉब्लम क्या आई, वो कह रहा है 20% ऐसे प्रॉफिट का लो जो बोनस के बाद वाला है, अब पड़ गई मुसीबत, क्यों, यहां पे आप 300 के ऊपर 20% अब नहीं लगा सकते, वो कह रहा है ये जो प्रॉफिट है ना ये इसका 20% लगाओ, आगे प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका एक लेंथी लेकिन लॉजिकल तरीका बताता हूं, उसके बाद फिर फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, वो अपने याद करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस एक्स है, ठीक है, तो बोनस जो होगा वो एक्स का 20% होगा, यानी 0.2x, क्या होगा जी 0.2x ही बनेगा ना, और बोलो, और ये क्या है जी 300। अब अगर आप देखें बचपन में जो आपने AFC तो किया ही होगा, उसमें मैथ तो पढ़ी ही होगी, अगर आप गौर, नहीं सर नो सर, कुछ भी नहीं किया हुआ आप लोगों ने दुनिया के अंदर, ठीक है, रोटी को तो भी आप चोची कहते हो, तो अगर आप गौर करो तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इक्वेशन क्या कह रही है कि 300 माइनस 0.2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब एक्स मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर बोनस की फिगर, ठीक है ना, सही है।
अच्छा तो सुनो, इस माइनस टू एक्स को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, यानी आप इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1.2 एक्स इज इक्वल टू 300, और एक्स की फिगर आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज इक्वल टू, है देख लो हो नहीं सकता, हो गया है 300 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना है 250 एग्जैक्ट टू, अच्छा एग्जैक्ट 250 डन। आप कुछ ना कुछ तो किया आपने, चलो कुछ ना कुछ तो किया, एक छोटी सी वर्किंग आपने की जिसके बाद आपके पास वो फिगर आ गई जिसपे आप 20% अब लगा सकते हैं। बहुत लेंथी तरीका, इसलिए तो फॉर्मूला एक वजह किया हुआ अकाउंटेंट्स ने, वो आप लगा लेंगे, लेकिन बहरहाल फॉर्मूला तो भूल भी सकता है ना, तो ये लॉजिक भूलेगी नहीं इंशाल्लाह, वो भूल जाए तो लेंथी काम करके जान तो छुड़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सारी की सारी जो है ना जनाब वर्किंग है, ठीक है, ये वर्किंग एक साइड पर हो गई। ठीक है, एक हमने क्या किया इसके अंदर, अज्यूम किया कि हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस है एक्स, और उसके बाद फिर हमने इसको 250 की फिगर को निकाल लिया। अब जरा ट्राई करते हैं, यहां पे 250 की फिगर लिखते हैं। ठीक है, तो ये फिगर 250 ये हमने यहां से कैलकुलेट किया, ठीक है ना, ये 250 कहां से आया जी, ये 250 आ रहा है। ओके, अब इस 250 का 20% लें कितना आता है 50, देखो आंसर भी ठीक आ रहा है। तो ये तो हो गया लॉजिकल तरीका। ठीक है, क्या था मसला, मसला क्या था, प्रॉफिट आफ्टर बोनस अवेलेबल नहीं था। उसने कहा परसेंटेज लगाओ उस प्रॉफिट पे जो बोनस के बाद वाला है, तो मजबूरन उसे एक्स अज्यूम किया और सारी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इतने लेंथी काम का फायदा क्या जब एक फॉर्मूला हमें ये सारा काम ऐसे ही कर दे। ठीक है, आपने जहन के अंदर सिर्फ ये रखना है कि फिगर्स क्या आई हैं, फिगर आई है 50, बोनस की फिगर कितनी आई है 50। अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला ये है कि आप पकड़ लोगे प्रॉफिट बिफोर बोनस को, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बोनस परसेंटेज और डिवाइड करोगे 100+ बोनस परसेंटेज। ये फॉर्मूला है, पहले मैंने आपको क्या बताया लॉजिक तरीका, वो बहुत लेंथी है, उसकी बजाय आप क्या करो, आप सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रख लो कि जो प्रॉफिट बिफोर बोनस है वो तो आपके पास अवेलेबल है ना, बोलो, तो प्रॉफिट बिफोर बोनस को आप पकड़ो और उसको बोनस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 100+ बोनस की परसेंटेज। अब ये देखो, ये इतना लेंथी काम करके 250 निकाला था, इसकी बजाय क्या करो, इसकी बजाय क्या करो, जो अवेलेबल है प्रॉफिट उसी को पकड़ लो, वो कितना है 300, इसको मल्टीप्लाई करो बोनस की परसेंटेज 20 से और डिवाइड करो 100+ बोनस परसेंटेज यानी 120 से, आंसर बताओ, आंसर तो 50 ही आया। तो इतना लेंथी काम करने की बजाय ये छोटा सा फॉर्मूला हमने याद रख लेना है। ठीक है, तो 250 यही काम हमने अपने सवाल के अंदर भी किया। सवाल के अंदर कितने परसेंट बोनस था, जी कितने परसेंट बोनस था जी, 20%, और हमारे पास उसने कहा था बोनस परसेंटेज लगाओ प्रॉफिट आफ्टर बोनस पे। हम इस सवाल के अंदर आए, हमने देखा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर बोनस अवेलेबल है 39.6, बाद वाला नहीं है, तो हमने 39.6 पे मल्टीप्लाई किया 20 से, डिवाइड कर दिया 120 से, 6.6 आंसर आ गया। आप प्रूफ करके भी देख लो 6.6 ही निकला था, बल्कि बाद में प्रूफ कर भी लिया आपने, 33 का 20% 6.6 ही आ रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लॉजिक। अच्छा इधर देखो, फॉर्मूला इसका भी लिखना है तो लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला तो सिंपल होता है, प्रॉफिट बिफोर, आप कहोगे जी इसके ऊपर आ रहा है ये फॉर्मूला, इधर ना करें, इधर लिखे जी प्रॉफिट बिफोर बोनस पर सिंपल क्या करो, बोनस की परसेंटेज लगा दो। ये तो बहुत बच्चों वाला, ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है ना, ये तो आपका दिल करता है कि ये आए,
ये आता नहीं है, ठीक है ना, जो दिल नहीं करता असल में तो वही आता है। ठीक है, तो ये है जी आपकी ये बोनस वाली परसेंटेज की, बोनस वाली एडजस्टमेंट की डिस्कशन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये डेरिवेशन 250 निकालने की और लंबा चौड़ा काम, उसकी बजाय ये शॉर्टकट, ठीक है, ये है लॉन्ग कट और ये है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ही लगाएंगे, फॉर्मूला याद रख लें। हाँ जी वही बन जाता है। उस जैसा ठीक है जी। ओके जी, सी व्यू क्लब होमवर्क में है, करके आइएगा। जी जी अभी करते हैं, अल्लाह हाफिज़। जी एमसीक्यूज होमवर्क में दिए थे, 15-20 मिनट अब इन एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो गए तो फिर थ्योरी को देखेंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ तो रोज होते हैं चार, आज को पहली बार हुए हैं। ओके पेज 412 ओपन कर लें जी बुक्स का। आप नहीं जाना यार, इसको गुजरने का रास्ता दे सकते हो तो दे दो, जाओ उसकी मज फंस कहीं, जाओ जल्दी कर लो। अच्छा जी फर्स्ट एमसीक्यू पढ़े, फोर वन टू 412, ये जो जो निकल रहे हैं ना इनकी मैं शक्लें देख रहा हूं, कल मैं इनका इलाज कर लूंगा। लंबे बालों वाले तुम्हें भी देख लूंगा मैं। बैठो बैठो, पास होने वाले बैठ जाओ, आज YouTube पे लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। कल कर दें उनको शाम को, एक दिन तो जाया करूंगा ना इनका। अच्छा जी इसका नाम भी नोट कर लो, इसकी शक्लें तस्वीरें बनाते जाओ साकिब, इनकी जो जो निकल रहे हैं मोबाइल ऑन करो, तस्वीरें बनाते जाओ इनकी। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। भाई खामोश हो जाएं, 10 मिनट और दे दें बस, बस 10 मिनट जितने हो गए जी। वो कह रहे हैं जी इन में से कौन सी दो में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट
नहीं चाहिए। ये नहीं वाले जो है ना, ये बड़ा खराब करते हैं। तो पहले आप नहीं को छुपा के ये देख लिया करें कि कहाँ कहाँ चाहिए होती है। नॉर्मल वाला सवाल जी। वो कहता है जी, इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्रीज वर अंडर स्टेटेड बाय अ मटीरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। अगर सिस्टम एरर पिछले साल आया था तो ये प्रायर ईयर में एरर हो गया ना इन्वेंट्री में, तो अगर प्रायर ईयर एरर है उसको सही करना पड़े, मटीरियल भी है, तो आपको प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो इसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, उसने तो कहा है कि कहां कहां नहीं होती, फिलहाल मैंने कहा जरा होती है को देख लें। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स अलाउंस फॉर इररिकवरेबल रिसीवेबल्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उन्होंने क्या कर दिया है जी, चेंज कर दिया है फ्रॉम 10% आउटस्टैंडिंग डेट्स टू एवरीथिंग ओवर। पॉलिसी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पॉलिसी है इन्होंने बदल ली, ठीक है। तो प्रोविजन तो वैसे ही एक एस्टीमेट होता था, अंदाजे की बुनियाद पे एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, उन्होंने उस अंदाजे की बेसिस को बदल लिया। जैसे हम फिक्स एसेट की लाइफ 10 साल कहते थे, 10 साल से 5 साल कर दिया, एक एस्टीमेट बदल दिया, तो ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। और चेंज इन एस्टीमेट में आपको सिखाया हुआ है कि आपने सिर्फ करंट और फ्यूचर को सही करना है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। तो यहां पर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, वो अरे वहां पे अंग्रेजी लिखी थी कि पहले वो क्लोजिंग डेटर्स का 10% प्रोविजन बनाते थे, अब उन्होंने कहा है कि 4 महीने से पुराना जो भी डेटर है वो सारे ही प्रोविजन है ये। अच्छा, अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड दैट रिक्वायर्स अ कंपनी टू चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बट गिव्स नो गाइडेंस ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। वो कहता है स्टैंडर्ड बदल गया है, स्टैंडर्ड बदला है तो चेंज इन पॉलिसी तो करना पड़ेगा। अब मैंने कहा था अगर तो स्टैंडर्ड ट्रांजिशनल प्रोविजन में बता दे क्या करना है तो उसकी मानेंगे, और अगर ना बताए तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जरूरी हो जाती है ना, फिर तो चेंज इन पॉलिसी स्टैंडर्ड खामोश है। तो चेंज इन पॉलिसी का जनरल रूल तो यही है कि आपने उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। तो अगर चेंज इन पॉलिसी आए और स्टैंडर्ड ने गाइडेंस ना दी हुई हो तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, यानी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट, अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस टू रिड्यूसिंग बैलेंस। जी, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, इसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि किन दो में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, या ये रिक्वायरमेंट है कि किन दो में नहीं करनी पड़ती। अब दोबारा पढ़ लेते हैं जी। वो कहता है जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। तो कौन से दो में रिक्वायर्ड नहीं है, बी में और डी में, ठीक है जी, सही है। चल, अच्छा कितने बच्चों ने एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, अब जरा वन बाय वन आप लोग बताते जाएं। टू में कोई मसला आया, अब ऐसे पूछेंगे ना, जिन्होंने नहीं किया वो मौज करें, उनका ख्याल था कि सर सारे करवाएंगे, तो पहले वैसे मैंने पहला करवाया, जरा आपका टेम्पो बन जाए। अब जी, कितने बच्चों ने सारे एमसीक्यूज किए, जरा हाथ खड़ा करें। ये मेरे प्यारे अच्छे बच्चे, पास होने वाले बच्चे, बस यही, इन्हीं को ही मुखातिब हूं मैं, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू टू में कोई बेटा मसला आया हो, किसी एक को भी नहीं? टू में तुम करके आए हो एमसीक्यू सारे, हफाज तुमने हाथ नहीं खड़ा किया पहले, तुम मिशनरी लगते हो इनके। अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद IS 8, आगे उसका नाम लिखा हुआ ब्रैकेट्स में, हाउ इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अकाउंटेड फॉर। अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, पहले तो अपने जेहन में जवाब बनाओ ना। अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज हो, चेंज इन एस्टीमेट हो, तो क्या करते हैं, करंट और फ्यूचर को सही करते हैं, प्रायर ईयर को नहीं छेड़ते। वो कहते हैं हाउ इज द चेंज इज अकाउंटेड फॉर, नंबर वन, बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर बट नॉट प्रीवियस ईयर फिगर। ये सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ लें। By changing current year figure, नहीं, previous year figure को नहीं छेड़ते। No alteration, नहीं, कैसे कह रहे हैं no alteration, current year को तो छेड़ना होता है। Neither alteration, अच्छा आप कहोगे सर हो सकता है current year में गलती की ना हो, जरा पूरा पढ़े ना। वो कहते हैं no alteration in figure but disclosure in the notes। नहीं नहीं नहीं, disclosure तो हम सिर्फ तभी देते हैं जब change करंट ईयर को चेंज भी करते हैं और फिर डिस्क्लोजर देते हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे ये फर्क और फ्यूचर पे ये फर्क, चेंज इन एस्टीमेट का। तो
ये तो नहीं लग रहा। आए कहते हैं ना कोई अल्टरेशन करते हैं ना कोई डिस्क्लोजर देते हैं, हाथ धोगे ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सही ठीक कह रहे है। हो, पिक्चर ही बात है, पिक्चर हाँ, की तो बात नहीं है। बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर बट नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर, तो ये तो सही है ना। अब फ्यूचर में कुछ हो सकता है भाई, ये चेंज इन एस्टिमेट हो ही इसी साल के अंदर, क्या मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है चेंज इन एस्टिमेट, और भी बहुत सारे एस्टिमेट थे जो मैंने एग्जांपल ली थी, किसी ने इसी क्लास में मुझसे पूछा भी था, प्रोविजन की को बात किसी ने पूछी थी, मैंने कहा था पिछले साल प्रोविजन का अंदाजा लगाया था कि 10 रुपये लोग लेकर भागेंगे, असल में 12 भाग गए, तो पिछले साल को छोड़ो 2 का मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पर ही किसी ने पूछा था मुझसे कि सर ये प्रोविजन का चेंज आप कह रहे हैं, एस्टिमेट चेंज है, तो फ्यूचर ईयर्स में तो इसका कुछ चक्कर ही नहीं है, तो भाई प्रेजेंट में तो है ना, मकसद कहने का ये कि पास्ट को नहीं छेड़ना, प्रेजेंट और फ्यूचर जितना अवेलेबल हो उसको सही कर लेना है। ठीक है जी, नंबर 3 में कोई मसला आया हो? किसको आया मसला? ये यस सर वाले हाथ खड़ा करें, जरा हाथ से हाथ खड़ा करें जिन्होंने यस बोला, ये पीछे चले जाएं, पीछे खड़े हो जाएं जाके, एमसीक्यू करके नहीं आया, ये बदतमीजी नहीं करनी अभी दोबारा, ईमानदारी से, ठीक है ना। हाँ, घर जाके सही नियत से करोगे ना, खुद पर्चे में उसी ने काम आना है, हाँ, फ्रॉड नहीं लगाना यहां बैठ के मेरे साथ। जी बच्चों, जो करके आए को मसला आया किसी को 3 में, ये ना अब आप लोग करेंगे जाके घर कि तीसरे में बच्चों को मसला नहीं आया मुझे ना आ गया हो, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने तो नहीं मिलना पर्चे, जब जब प्रेप लीव पे चले जाओगे तो ये तो मेरे पास होते होते ही एमसीक्यू डिस्कस करना है ना, तो अब घर पे जाके फिक्र लाहक होगी कि तीसरा सबको मसला नहीं आया, अगर मुझे ही आ गया तो, और पर्चे में ही यही एमसीक्यू आ गया तो ये अब आपको फिक्र लाहक होनी चाहिए। नंबर 4, मसला आया जी? नहीं आया बच्चों को, मसला नहीं आया जी बच्चों, मसला नहीं आया, मुझे 2-4 हाथ जहां से खड़े हुए थे वहां से खड़े हुए थे मुझे नजर आ रहे हैं, को मसला आया है बताओ? नहीं आया। अफाज तुम्हें भी मसला नहीं आया, इसमें किए थे हम सीक्यूज, मुझे शक पड़ रहा है तुम पे। ओके, नंबर 5, कोई मसला? एक मसला जी, इधर 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 को मसला आया 5 में, चलो एक को तो आ गया। हाइब्रिड में कोई मसला आया? हाथ खड़ा करें, वो 3-4 को आया हुआ है, पढ़ लेते हैं। इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड, किन 2 सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाई IFRS, बिल्कुल हो सकती है। इफ द एंटिटी थिंक्स दैट न्यू पॉलिसी वुड बी इजियर टू, अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी लॉजिक है भाई, ये कौन सी लॉजिक है? कहते जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे हैं क्यों, हमें ये दूसरी आसान लगती है, कानून नीचे देनी है उनके, उन्हें कहा भी था कि सिलेक्शन कर लो एक बार, ये कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, चेंज कर सकते हो सिर्फ 2 सूरतों में, अगर अगर स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि बेटर प्रेजेंटेशन देगी दूसरे वाली चेंज, चेंज पॉलिसी करके हम ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे यूजर को, ठीक है नहीं चीज़ हमें ज्यादा आसान ये लग रहा है जी, इसलिए क्या मतलब यार आसान लग रहा है, ये नहीं है बिल्कुल भी। फिर इफ 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 अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड शो मोर फेवरेबल, अस्तगफिरुल्लाह, आप प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, फाइफो से एफको पे चले जाएं, एफको से फाइफो पे चले जाएं, क्या आप एफको से फाइफो पे इसलिए जा सकते हैं कि आप प्रॉफिट्स को फेवरेबल कर लें? ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई लॉजिकल रीजन ना हुई। और डी है, इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट इन मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, नाउ ए एंड बी इज द करेक्ट, वैसे ही होना नहीं चाहिए था मसला एनीवेज, हैं ऐसे ही बस तुमने कहा, ऐसे 3-4 गुजर गए, ऐसे कैसे गुजर गए। ओके, नंबर 6 में किसी को मसला आया हो? 7 में, 7 में, 7 वाली एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाई थी कल, ठीक है, 7 वाली एग्जाम्पल क्लास में करवाई थी, पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IS-8, आगे तो नाम ही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड का, वो कहता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इनमें से कौन सी है, क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू प्रीवियसली क्लासिफाइड एज अदर इनकम, एग्जाम्पल्स में किताब के अंदर लिखा हुआ था जब मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप यार्न धागा बनाकर बेचते थे, हालात माड़े हो गए बना नहीं सकते, लोगों का ले लेकर आगे बेचे जा रहे हैं, तो आपकी पहले कमीशन इनकम अदर इनकम होती थी, अब मेन इनकम बन गई, तो आपने जब इसको रेवेन्यू में लिखना है तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, करवाया था कल क्लास में, कल या परसों, परसों करवाया था। अच्छा,
स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, ये कहा था बिजनेस पॉलिसी का चेंज है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री टू मेक द इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप, मैंने कहा था ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है क्योंकि सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको नहीं छेड़ा है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल के अंदर सिर्फ छेड़ रहे हैं ताकि ग्रुप की पॉलिसी सेम हो जाए, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये भी परसों बताया था। और रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, नहीं ये तो है ही चेंज इन एस्टिमेट, ये तो चेंज इन पॉलिसी है ही नहीं, तो फिर कौन सा है जी? नंबर ए। एट में कोई मसला आया हो? नाइन में इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक, एक बच्चे को आया मसला, कहता है जी अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल है तो इसको छोड़ो, जो पढ़ा था वो याद कराओ, अर्लीएस्ट पॉसिबल पीरियड तक जाना है और वो करंट पीरियड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ था, ठीक है अब पढ़ते हैं। वो कहता है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, लेकिन साथ ही उसने ये डिस्क्लोजर में लिखा हुआ था कि फिर वो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी लिख के बता दो, ठीक है। अच्छा, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड, मेक द चेंज ओनली टू करंट पीरियड, देखते हैं, अप्लाई द चेंज टू अर्लीएस्ट पॉसिबल, हाँ, डू नॉट मेक चेंज एट ऑल, नहीं, मेक द चेंज इन नेक्स्ट ईयर, नहीं, ये फजूल बातें लिखी हुई हैं, स्टैंडर्ड की बात तो सिर्फ यही है, अप्लाई द चेंज टू, हैं, अल्फा क्यों गलत है? अल्फा तब गलत है कि आप पूरी बात लिखी होती, उसने लिखा था इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड अप्लाई द चेंज टू अर्लीएस्ट पॉसिबल पीरियड दैट इज अर्लीएस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकेबल एंड दिस मे बी करंट पीरियड, तो फिर तो मैं मान लेता पहले वाले को सही, वो अधूरी बात है, अधूरी बात है, वो कह रहा है इम्प्रैक्टिसेबल है पिछले 10 साल तक वापस जाना, लेकिन 3 साल तक जा सकते हो और आप ए को पकड़ के बैठ गए, नहीं जी मैं तो इसी करंट ईयर को करूंगा, तो गलत हो गया ना फिर, ठीक है। नंबर टेन में कोई मसला आया हो? अच्छा, कुछ थ्योरी ना अभी पढ़ी भी नहीं थी हमने, तो वो भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे एमसीक्यू टोटल कितने हैं? चले कुछ 2-3, 4.5 तक पढ़ लें आज, थोड़ा सा हिम्मत, जजाकल्ला, साथ देने के लिए शुक्रिया, पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बैजा लेक्चर को नहीं अपलोड होना, इधर ही कर ले कॉल बैठ के, सिग्नल नहीं आते है ना। नंबर 10 में कोई मसला, जान नहीं छुड़ानी, नंबर 10 में किसी को मसला आया हो? 11 सुन लो, फिर एक मिनट, ये तेन भी गाला कड़ रहे ने मेरे नाल नाल कोई गल नहीं खैर है। अच्छा, ये आखिरी एमसीक्यू नहीं है, करेक्टिंग द रिकग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ एन अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ प्रायर पीरियड एरर हैव नेवर अकर्ड, दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं, चेंज इन एस्टिमेट नहीं, प्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट नहीं, बल्कि रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। असल में ये डेफिनेशन मैंने नहीं ना पढ़ाई थी अभी, थ्योरी के अंदर लिखी हुई थी जो कहा था पढ़ लेना, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं अप्लाई करना पॉलिसी को ऐसे एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं सही करना एरर को ऐसे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एरर के बारे में है, तो यही बात यहां पर लिखी हुई थी, ठीक है। दोबारा वो कहता है करेक्टिंग द रिकग्निशन मेजरमेंट या डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या ये सारी बात मत पढ़ो, यहां से सिर्फ इतना पढ़ो, करेक्टिंग अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ अ प्रायर ईयर एरर हैड कभी अकर ही नहीं हुआ था, हैड नेवर बीन अकर्ड, ये क्या है? वो वहां से जाकर सही करके लाए जहां पे गलती हुई थी, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहलाती है। एप्लीकेशन नहीं, वो होती है चेंज इन पॉलिसी को अप्लाई करना रिट्रोस्पेक्टिवली, उसके बारे में कहते हैं पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करके लाना जैसे कभी ये पॉलिसी दूसरी वाली थी नहीं, यही हमेशा से लगी हुई थी, वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, और एरर को ऐसे सही करके लाना कि कभी ये हुआ ही नहीं था, ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहलाती है। ये मैंने डेफिनेशन लिख के भी बताई थी दोनों। 12 में को मसला सबसे इजी यही था, 13 में
एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। अच्छा, ये डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ी हुई नहीं है, इस डेफिनेशन के ऊपर थोड़ी सी बहस मुझे करनी चाहिए, ठीक है, इसको फिलहाल पेंडिंग करें। इसकी वजह यह है कि आपको यहां पर डेफिनेशन है चेंज इन एस्टीमेट की, उसके ऊपर तो पांच एक मिनट की बात मैंने कहां गया, ठहर जाओ, ऐसे कैसे कर लिया वो, जब मैं समझाऊंगा तो वो अच्छा हमने ऐसे तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसे सोचा ही नहीं था, अभी नहीं कर रहे, मैंने मशवरा मांगा है तुमसे। ये वाली जो लाइन है ना, ये इट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, ये यहां पे लिखा, असल में यहां से वो एमसीक्यू बना है, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने समझाना है जरा, इसलिए इस एमसीक्यू को फिलहाल पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। चले जी, एमसीक्यू वैसे भी आप यहां पे रोकते हैं और जरा थ्योरी पे वापस आ जाएं। अच्छा चलो, चेंज इन एस्टीमेट कल करेंगे, अभी प्रायर ईयर एरर करवा दूं, प्रायर ईयर एरर, अब ये माफी दे दी है मैंने, तुम फीडबैक में लिख देना क्लास जो है वो टाइम पे शुरू नहीं करता और टाइम पे खत्म नहीं करता, ठीक है। नहीं, वो अच्छी खासी बेइज्जती होती है मेरी, कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगा, पर ये ऐसे ही रहेगा, ये हमेशा से ऐसे ही है, ठीक है, ओके। तुम दिए बाजे मुखालिफ से नहीं घबराते, उकाब जो होते हैं, ठीक है ना। ये ओ माई गॉड, प्रायर ईयर एरर्स, प्रायर ईयर एरर्स आर ओमिशंस और मिस स्टेटमेंट्स फॉर वन और मोर पीरियड बिकॉज ऑफ फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल व्हेन फैशन प्रिपेयर्ड और अच्छा सुनो, प्रायर ईयर एरर किसे कहते हैं, वो कहता है जी एक चीज सिरे से ओमिट हो जाना, क्या मतलब, आपने उसको लिखना था लिखा ही नहीं, इसको कहते हैं ओमिशन, ठीक है। और मिस स्टेटमेंट कहते हैं कि जो फिगर लिखनी थी वो नहीं लिखी, तो ओमिशन भी गलती है कि एक चीज जो लिखनी थी सिरे से लिखे ही ना, और मिस स्टेटमेंट भी गलती है कि जो फिगर लिखनी थी वो लिखी तो सही लेकिन गलत लिख दी। तो वो कहता है ओमिशन हो जाए, स्टैंडर्ड कहता है ओमिशन हो जाए या मिस, सिर्फ समझने की जरूरत है, वैसे तो स्टैंडर्ड साथ होने हैं, याद नहीं करना इसमें से किसी चीज को, याद नहीं करना, सब समझना है आपने, ठीक है ना। ओमिशन हो जाए या मिस स्टेटमेंट हो जाए, क्यों, वो जी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी, फेलियर जो यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती थी थोड़ी कोशिश करती करते लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की। तो बहरहाल ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो जाना इंफॉर्मेशन की गैर मौजूदगी की वजह से, या इंफॉर्मेशन तो मौजूद थी लेकिन सामने नहीं थी तो हमने को हाथ पांव नहीं मारे, तो उस वजह से भी जो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो गई, इसको क्या कहा जाता है, प्रायर पीरियड एरर। डेफिनेशन पढ़ो, पैरा 5 में लिखी हुई स्टैंडर्ड में, याद नहीं करना, समझ लो बस। प्रायर पीरियड एरर्स आर ओमिशंस और मिस स्टेटमेंट्स फॉर वन और मोर पीरियड बिकॉज ऑफ फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल When final statements was prepared, यानी information available तो थी लेकिन हमने उसको use ही नहीं किया और omission या misstatement कर दी, या available नहीं थी लेकिन could reasonably be expected to have been obtained, थोड़े हाथ पांव मारते तो information available हो जाती, उसको use करते तो ये omission misstatement से बच सकते थे। तो error की definition क्या हुई जी, misstatement या omission हो जाना, क्यों, information पड़ी थी इस्तेमाल ही नहीं की, या information ढूंढ सकते थे थोड़ी कोशिश करते लेकिन वो कोशिश ही आपने नहीं की, तो फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन तो नहीं थी लेकिन रीजनेबली ऑब्टेन हो सकती थी, ये कोशिश ना करने की फेलियर की वजह से ओमिशन या मिसस्टेटमेंट का हो जाना, ये एरर कहलाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, पास्ट करंट और फ्यूचर, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होता है, अब ये वहां पर लिखा हुआ था जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था मेरे दोस्त, करेक्शन ऑफ, ये बाकी मैंने कहा था छोड़ो इसको, ये जरा ना पढ़ो, आसान कर लो, करेक्शन ऑफ अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफ प्रायर ईयर एरर हैड नेवर बीन अकर्ड, करते क्या हैं, वी रीस्टेट द फिगर्स एंड वी प्रोवाइड डिस्क्लोजर एज वेल, हम रीस्टेटमेंट भी करते थे फिगर्स की और प्रायर ईयर एरर का नोट भी बनाते थे, डिस्क्लोजर भी बनाते थे, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे पहले लिखी हुई थी, यहां पर भी कि रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट को अर्लीएस्ट पॉसिबल डेट तक ले जाओ और ये करंट पीरियड भी हो सकता है,
अब एग्जाम्पल ऑफ प्रायर ईयर एरर्स जो हैं, ये एक एंडलेस, ये कोई ये एग्जॉस्टिव लिस्ट हो ही नहीं सकती भाई। एरर तो कई किस्म के हो सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो स्टैंडर्ड ने यहां पर लिख दिए हैं। क्या जी? इन्वेंट्रीज को अंडरस्टेट कर दिया, रिपेयर को कैपिटलाइज कर दिया, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी और ब्ला ब्ला ब्ला। एरर्स की कोई लिमिट नहीं है, एरर तो किसी भी तरह का हो सकता है। एग्जाम्पल्स एक नजर पढ़ लेना। डिस्क्लोजर में क्या करते हैं? नेचर ऑफ एरर बताते हैं। वो जी रिपेयर एक्सपेंस था, रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया, लिखते थे ना अंग्रेजी में। फिर फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, ये फर्क मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि पॉलिसी के नोट के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट सेंडर लिखा हुआ है फॉर ईच करंट एंड प्रायर पीरियड, और एरर के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है फॉर प्रायर पीरियड, करंट पीरियड नहीं लिखा। इसलिए तो हम करंट पीरियड को जागते रहना, इसलिए हम करंट पीरियड को प्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है। करेक्शन एट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि वो ओपनिंग को जो हम सही कर लेते हैं एक एडिशनल वो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट को डालकर। ठीक है। एंड इफ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, द सर्कमस्टांसिस के क्यों इम्प्रैक्टिकेबल हैं वो बता दो। ऐसा कोई सवाल आया नहीं कि वो कभी इम्प्रैक्टिकेबल हो, वरना तो नोट ही नहीं बनेगा, वरना तो आप सिर्फ अंग्रेजी लिख दोगे। ठीक है जी भाई, ये ओपनिंग और प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ये भी जवाब दे गया। चलो अब छुट्टी होने लगी है फिर। ठीक है। तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की समझ आ गई, शुक्र है ये लिख लिया मैंने। ठीक है ना, जो ओपनिंग दो बार लिखते थे ये क्या है? प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है। आप 16 में खड़े हैं तो 16 15 और 15 दो बार लिखते थे ना, तो ये 15 का प्रीवियस ईयर, 15 प्रीवियस ईयर है इसका ओपनिंग, ये एडजस्टमेंट अगर प्रीवियस ईयर की आ रही हो तो ये कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको काइंडली पढ़िएगा और एमसीक्यूज कंप्लीट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह इसको खत्म करते हुए हम IS-1 की तरफ चले जाएंगे और मैं बाय बैक ऑफ शेयर्स करवाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और संडे की एक्सपेक्टेड क्लास है एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे की, वो मैं इंशाल्लाह कल कन्फर्म कर दूंगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी ये जो मैंने संडे की क्लास कही है एक्सपेक्टेड है, ये मैं सबकी कंबाइंड करूंगा, प्री वालों की भी और पोस्ट वालों की भी इंशाल्लाह संडे को। अल्लाह हाफिज़।